हाँ, हमारे टीवी के एंकर होते हैं साहब उन्होंने लॉन्च किया था या कुजीन करके कुछ रेस्टोरेंट का नाम था तो उनकी रसीद मिली उसके ऊपर कोई उनका नंबर वगैरह कुछ भी मैंशन नहीं था हमने वो रसीद ली हमने डाल दी उस पोर्टल के ऊपर क्या चेक करते हैं ये पोर्टल कुछ काम भी करता है या ऐसी बातें हो रही है तीन चार आदमी रिप्लाई कर दिया कि बिल्कुल ये रसीद जो है वो सही नहीं है और ये रजिस्टर नहीं है सर्विस सेक्टर के अंदर एक छोटा सा सेक्टर एक और आता है जिसको हम रेस्टोरेंट्स के नाम से रखते हैं नाम आप शेयर कर सकते हैं कि आपको लगा हो कि यार ये भी टैक्स चोर है सिर्फ देसी लोग ही यहाँ चोरिया करते हैं ऐसा नहीं है जितने मल्टीनेशनल चेंज हैं आप चाहे के एफ ले लें आप चाहे मेडोनल्ड ले ले। चेन या खुल रही है वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे कहीं रिमाइंडर हमने मेकडोनल्ड्स को भी दिए और उसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं किया टिपोर्टेंस को भी बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं उनकी बहुत कम जो है वो आपको प्रॉपर कम्पलाइंट रिसिप्ट लोग देते हैं यही हाल आपका पिशावर से लेकर तक तमाम इंटरनेशनल और लोकल चेंज का है अगर पूरे साल के अंदर आपका रेवेन्यू एक करोड़ रुपए या उससे जायद है साढ़े तीन सौ दिन भी साल के लेते हैं कि रेस्टोरेंट ओपन है तो अट्ठाईस हजार रुपए बनता है तो आपको सिर्फ रेवेन्यू बोर्ड के साथ लाजमी रजिस्टर होना है और आपको सेल टैक्स चार्ज करना है तेरह परसेंट के हिसाब से वो जमा कराना है गवर्नमेंट को केबीज जो है वो बचपन से उसकी आइसक्रीम खाते हैं अभी जाके रजिस्टर्ड हुआ है बलोच आइसक्रीम सदर के अंदर पिशावरी कोई पचास साल से देख रहे हैं वो कंप्लेन के बाद जाकर बोर्ड को रजिस्टर कर रहा है फॉर एग्जाम्पल मंदी हाउस है उनकी चौदह है तो जो है वो हम कर चुके हैं आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ले लें आप कराची फूड्स को ले लें आप जेटिन को ले लें आप अनवर वलूज को ले, ले हैं। लें आखिरी कंपनी उनकी हमने तीन चार महीने पहले की थी उस वक्त भी इंटरी नहीं थे ना उस पर रेवन्यू अथॉरिटीज़ कुछ कर रही है उनको आसान टारगेट मिलता है कि इंड टैक्स बढ़ा दो सेल का परसेंटेज बढ़ा दो पेट्रोल की लेवी बढ़ा दो ठीक है सेल टैक्स बढ़ा दो उनका स्लैब कम कर दो बस ये करते रहो फिक्स टैक्स लगा दो चाहे आप उनका बिजली के बिल सेलिंग कर दो उसको ये किस किस्म का सिस्टम है आप ये समझें जो दुकानदार और रेस्टोरेंट टैक्स चोरी कर रहा है वो टैक्स वो चोरी करके आपको जमा नहीं करा रहा है हुकूमत पास पैसे नहीं होंगे वो आप पे लगाएगी कुछ जगह

और उन्हें टैक्स नेट में ला चुके हैं ज़ुबैर ये सब कैसे करते हैं आइए उन्हीं से जानते हैं वालेकुम जुबैर भाई कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र है आप सुना सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप अपना तारुफ ख़ुद करवाएँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है क्वालिफिकेशन में बाई क्वालिफ़िकेशन जो है वो चार्टड अकाउंटेंट हूँ फ्राम ए सी सी ए आई क्या पाकिस्तान से नहीं तो जिसको लोग वो कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये लोग कैसे हो भाई वो लोग भी सी ए होते हैं पाकिस्तान से बाहर जाके ऑर्डर रिपोर्ट साइन कर सकते हैं वो भी तो वो सी ए कहलाते ठीक है और प्रोफेशनल बैकग्राउंड मेरा ये है कि टेक्सटाइल से शुरू किया था ठीक है वहाँ इंटरनल ऑडिट के अंदर फिर वहाँ से होते हुए फिर हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए ठीक है फिर वापस टेक्सटाइल में आ गए अभी पे दूसरी जगह स्विच कर लिया तो ये प्रोफेशनल बैकग्राउंड चल रहा है मोस्टली ऑडिट के अंदर आता वहाँ से फिर फाइनेंस के अंदर ठीक तो है, है तो ऑडिट से मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा फाइनेंस से भी इंटरेस्ट है तो टैक्स के मामला के अंदर भी उसी तरह से इंटरेस्ट है तो इसी तरह फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र जो आज यहाँ तक पहुँचा है वो इस बैकग्राउंड की वजह से ही उसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका ठीक है तो यानी ऑडिट और टैक्स में आपका इंटरेस्ट है और आपका ये इंटरेस्ट जो है वो टैक्स चोरों के लिए दर्द सर बना बिल्कुल ऐसे ठीक है अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आप ये जो काम कर रहे हैं जो टैक्स चोरों को आप हाईलाइट करके उनको पकड़वाते हैं ये किस तरह से करते हैं और आपने कैसे स्टार्ट लिया वीवर्स को थोड़ा सा बताएं कि आप करते क्या है असल में अच्छा जैसा कि मैंने बताया फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो अपने मुल्क के फाइनेंस भी देखते रहते हैं हम कि हम हर वक्त अपने मुल्क में सुनते रहते हैं यार इस मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं होता टैक्स इकट्ठा नहीं होता हर साल का हमारा इतना बजट डेफिसिट है वो हुकूमत लोन ले लेगी पूरा करती है अगले साल वो और बढ़ जाता है तो ये टैक्स आखिर इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा भाई उस टैक्स इकट्ठा ना होने की वजह यह है कि जो हमारी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो टैक्स इकट्ठा करना नहीं चाह रही हैं या कर पा नहीं रही हैं ठीक है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी जी डी पी के अंदर लेकिन उनका टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है उसी के अंदर एक सेक्टर है सर्विसेज जो सर्विसेज कहलाता है जो कि अठारवी तरवी के बाद काफ़ी हद तक जो है वो सूबों के पास है उन सर्विसेज सेक्टर के अंदर एक छोटा सा सेक्टर एक और आता है जिसको हम रेस्टोरेंट्स के नाम से जानते हैं जिसमें रेस्टोरेंट पार्लर जिम्स ये सलून वगैरह सब आ जाते हैं उसके अंदर ठीक है तो इस सेक्टर के अंदर ये बात शुरुआत ऐसी हुई कि दो के अंदर जब इमरान खान की ये हुकूमत आ चुकी थी तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था कि सारे सरकारी इदारों को जमा करके उन्होंने एक काम किया कि यार एक जगह जमा कर देते हैं उसको हम और ये सब कुछ डिटेल कर देते हैं उसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के यहाँ पे जाके कोई भी अपनी शिकायत डाल सके और वो डायरेक्ट उस इदारे को चली जाए और फिर वो इदारा उसको हल करे तो वो लॉन्च हो चुका था दो के अंदर ये पोर्टल अब ये हमने दो के अंदर हमने देखना शुरू किया यार ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो खाना खाने जाते हैं अक्सर अभी इन्वाइस के ऊपर देखा यार ये सेल टैक्स का लफ्ज़ लिखा होता है ठीक है ये टैक्स हमसे ले रहा है ये कहाँ जमा होता है कैसे जमा होता है इसको हम कैसे देख सकते हैं कि जमा हो भी रहा है नहीं हो रहा तो हमने बोला यार चलो पता करते हैं एक रेस्टोरेंट हम गए खाना खाने हमने हमें उनकी रसीद मिली उस पर ऐसा कोई नंबर नहीं था नाम ले लेना नाम किस अभी अब वो 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 बेचारे बुरा ना मान जाएंगे वो हमारे टी के एंकर होते हैं रालूल साहब ठीक है उनकी पार्टनरशिप थी ठीक है उन्होंने लॉन्च किया था या कुजीन करके कुछ रेस्टोरेंट का नाम था अच्छा मैं क्लियर कर दूं की ये उस वक्त की बात हो रही है दो हजार उन्नीस में है या नहीं है हमें नहीं पता मगर हम उस वक्त की बात बिल्कुल ऐसी बात थी उनकी रसीद मिली उसके ऊपर कोई उनका एस नंबर वगैरह कुछ भी मैं नहीं था हमने वो रसीद ली हमने डाल दी उस पोर्टल के ऊपर क्या चेक करते हैं ये पोर्टल कुछ काम भी करता है या फिर ऐसी बातें हो रही हैं इस बारे में अच्छा उस पर से सेल टैक्स कटा हुआ था थर्टीन पर नहीं हम लेकिन यह बताया कि यार ये रेस्टोरेंट है इस पर सल टैक्स उसको काटना चाहिए ठीक है ये इतनी इफॉर्मेशन हमें थी कि यार ये इनको जमा कराना होता है सेल टैक्स लेकिन इस पर कोई सेल टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं था और, और सेल उस पर टैक्स पर जो है ना वो कहते हैं सेल टैक्स जो है उन्होंने चार्ज किया हुआ था ठीक है उसके ऊपर कोई एस एन टी ए नंबर वगैरह कुछ भी नहीं था जिससे मैं वेरीफाई कर सकूँ कि ये रजिस्ट्रेशन इसकी कहाँ है तो हमने लगा यह सिलटेस कहाँ जा रहे हैं हमने वो सिलटैक्स की रसीद डाल दी पोर्टल के ऊपर वो चली गई सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास अच्छा भी इतफा हुआ कि वो सही जगह पहुँची क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो पोर्टल गलत जगह भी भेज देता है क्योंकि वो जाती पहले एफ के पास है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किससे परटेन करती है ठीक है उन्होंने सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भेज दी उन, उन, उनका डोमेन था सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने उसको इसको चेक किया और उन्होंने तीन चार दिन में रिप्लाई कर दिया कि बिल्कुल ये रसीद जो है वो सही नहीं है इस रेस्टोरेंट को जो है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ रजिस्टर होना चाहिए और ये रजिस्टर नहीं है और इनको रजिस्ट्रेशन हमने इनकी मैंडेटरी कर ली है उन्होंने तीन चार दिन बाद उसको अपडेट किया कि भाई ये रजिस्टर हमने अब कर दिया है और इसका ये उन्होंने सैम्पल वो अनवाइस भी दी कि अब इन्होंने टैक्स की अनवाइस प्रॉपर पर्टिकुलर्स के साथ दी है तो ये रिप्लाई उस पोर्टल के ऊपर आ गया हमें हम लोगों यारे पोर्टल तो काम करता है इसी तरह ये सफ़र शुरू हमने डालनी शुरू की डालनी शुरू की चीज़ें फिर वो बढ़ते 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 आज इस जगह तक पहुँच गया कि टोटल पूरी ये शॉप्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह मिला के जो टोटल रजिस्ट्रेशन वगैरह या पी वी एस रियल टाइम एंडवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम्स के ऊपर इंटीग्रेशन जो है वो वो पाँच सौ सत्तर से क्रॉस कर चुकी हैं ठीक अच्छा है ये जो सिर्फ आपका क्रेडिट है बिल्कुल ऐसे ही जो लोग पूरे पाकिस्तान से भेजते हैं खाली मेरा भी नहीं है अगर ये सोशल मीडिया पर नहीं डली होती चीज़ ये एक्सपेंड नहीं हुई, हुई हुई होती तो शायद मैं अभी पच्चीस तीस नंबर के पहुँचा होता जो करीब या तो मैं खुद विजिट करता या करीब दोस्त रिश्तेदार भेजते थे लेकिन ये रसीदें पूरे पाकिस्तान से लोग भेजते हैं हर जगह से मुख्तफ रेस्टोरेंट्स वगैरह की ठीक है उनको हम डालते हैं फिर इसी तरह सिलसिला बढ़ता जाता है और ये सिर्फ जो फाइनस लगे ना इन कंप्लेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ वो फाइन भी सौ मिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं ठीक है अच्छा जुबैर भाई जितना मैं समझाऊँ यानी कि आपने पहले एक रसीद ली उसका वो आपने उसको वो पोर्टल के ऊपर जाके उसकी कम्प्लेन की कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ये जो मेरा टैक्स कटा है वो हुकूमत के पास गया है या नहीं गया ऐसा ही है फिर उसके बाद आपने उसको डिजिटल मीडिया पे सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे आपने उसको फैलाया तो जाहिर सी बात है फिर लोगों का फीडबैक आपके पास आने लगा ऐसा ही फिर लोग आपको रसीदे भेजते थे बिल्कुल आठ दस का नंबर क्रॉस किया ना ये अभी ये हमने डालनी शुरू की हो हर दूसरे के कंप्लें पर रिप्लाई है कि रजिस्टर नहीं है ये रजिस्टर नहीं हमने इस कम्प्लेन के बाद उसको रजिस्टर कर लिया है वो प्रॉपर रिप्लाई दें और उसका एविडेंस भी दें कि इस डेट से रजिस्टर हो गया और ये इसकी रसीद है अब जो कंप्लेंट वाली हमने बोले यार ये काम तो सही है ठीक है ये तो मतलब कितना कितने हम अपने करीब करीब के रेस्टोरेंट्स को देख रहे हैं ये तो पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा इस इसके बारे में तो फिर इसको किस तरह बढ़ाया जाए फिर हमने इसको सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया था अभी पच्चीस का नंबर क्रॉस किया तो फिर उसकी हमने मैंने डिटेल डाली कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इनके रेस्टोरेंट्स की ये नाम है इस डेट को कंप्लेन हुई थी ये इसका रिजल्ट आया है तो फिर ये चीज़ पब्लिक को ने शुरू हुई और फिर उसके बाद इसको पिकअप किया था जब तकरीबन कोई साल उसको इसी तरह होता रहा होता रहा कोविड आ गया कोविड के बाद फिर ये बीच में रुक गई चीज क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था फिर हमने दोबारा शुरू किया ये फिर एकदम से ये स्पीड इस, इसमें जब आई जब इसको पी ऑफिशियल ने पिकअप किया ठीक है तब ये नंबर सौ क्रॉस कर गया नजस्टेशन का हम हम हर पच्चीस के बाद डालते थे डिटेल्स इसकी ये सारी पूरी लिस्ट ना कि ये लोग सब लोग रजिस्टर हो चुके हैं आप इस कम्प्लेन के बाद उनके नाम वगैरह के साथ तो उन्होंने इसको पिकअप कर लिया कि यार ये काम हो रहा है और ये पोर्टल के जरिए हो रहा है क्योंकि ये शायद पोर्टल बनाने वालों ने भी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये पोर्टल इस काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और उसको मार्च स्केल पर इस तरह से चीज़ की जा सकती है लिंक जब नया नया स्पेस आया था ट्विटर पर उस वक्त तो उन्होंने उसको स्पेस इस सेशन किया इसके बारे में फिर ये चीज़ वहाँ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पिकअप हुई इसके ऊपर एक और चीज़ भी लोगों को बता दूँ मैं कि ये चीज़ इतनी कहना चाहिए इसको पिकअप किया उन्होंने कि ये चीज़ इमरान खान तक ही पहुंची उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ठीक है अच्छा ये हमें ऐसे पता कि इमरान खान के उस वक्त जो डिजिटल मीडिया के स्पोर्स पर्सन थे उनका नाम में इसलिए नहीं रहा कि उससे मैंने उनसे मैंने इजाजत नहीं, नहीं ली हुई तो उन्होंने मेरी पर्सनल स्क्रीन शॉट भेजा था इस चीज़ का कि इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने पर्सनल व्हाट्सएप से जो है ये अपने स्पोर्स पर्सन के ग्रुप में भेजी थी ये चीज़ वो स्क्रीन शॉट भेट रहा था यार कि ये देखो ये लड़का ये चीज़ कर रहा है तो ये इस तरह से हो रहा है उसमें किसको हम इसको हम और किस तरह से बड़ा कर सकते हैं तो वो सब कुछ मिला के पार्लर सलून जिम्स वगैरह सब मिला के रेस्टोरेंट्स ये नंबर आज 570 क्रॉस कर चुका है क्योंकि जो डिफरेंट रेस्टोरेंट शॉप्स वगैरह बिजनेस वगैरह हैं जो हमारी कंप्लेंट्स के बाद रजिस्टर्ड हुए हैं या फिर रियल टाइम इन्वास्टमेंटी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट हुए हैं ठीक है और जो उनको डायरेक्ट पेनल्टीज लगी हैं ना रजिस्टर होने पर या रजिस्टर होने के बाद भी फ्रॉड रिसप्ट देने पर उनके सिस्टम्स को बाईपास करके रिसिप्ट देने के ऊपर वो पेनल्टीज का अमाउंट डायरेक्ट जो एफ बी आर ने और बाकी यूनिथर्टीज ने हमें रिपोर्ट किया है वो सौ मिलियन से क्रॉस कर चुका है ठीक है ये उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट है सिर्फ एक छोटी सी कोशिश का जो कि बहुत बड़े स्केल तक एक्सपेंड हो सकती है तो आप इसका स्कोप का अंदाजा लगा सकते हैं कुछ नाम आप शेयर कर सकते हैं कि जैसे आपको लगा हो कि यार ये भी टैक्स चोर है यार ये तो इतना मल्टी नेशनल चेन है या ये तो इतना बड़ा नाम है जब आपने उसको चेक किया वेरीफ़ाई किया तो पता चला कि वो भी टैक्स आगे पे नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट को बिल्कुल हाँ। ये लोगों को शायद होती है मिसकनसेप्शन के यार सिर्फ देसी लोग ही यहाँ चोरियाँ करते हैं ऐसा नहीं है जब ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स आए थे जो कि सारे सुबह में जो एफ़ बी आर पी ऐस से स्टार्ट हुआ था जो कि दो हज़ार उन्नीस के अंदर अगस्त के अंदर ना उन्होंने चीज़ लॉन्च की थी एफ बी आर ने एफ़ बर पी ऐस के नाम से वो क्या था कि ये भाई सिस्टम जितने शॉपकीपर्स वगैरह हैं जो सुपर स्पोर्ट्स वगैरह हैं जिनकी चेंज वगैरह हैं जो बेकरीज़ भी क्योंकि एफ के अंडर आती हैं तो उनको यार एक रियल टाइम इन्वाइस मोनिटरिंग सिस्टम हो कि जैसे वो अपनी रसीद इशू करें वहाँ वो 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 गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर आ जाए ठीक है क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि वो सेल कितनी कर रहे हैं और जमा क्या करा रहे हैं रिटर्न के अंदर उसको कोई चेक नहीं कर पा रहा बहुत मुश्किल है चेक करना ठीक है तो उन्होंने सिस्टम लॉन्च किया था एफ बी के नाम से उसकी कुछ कंडीशन रखी थी उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह कि यार साल का जो है वो इसकी इतनी जो है वो बिलिंग हो उसकी ना इलेक्ट्रिसिटी uh, की बारह लाख से ऊपर का बिल हो या फिर उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हो या फिर वो ए सी मॉल्स वगैरह के अंदर ऑपरेट कर रहा हो इस तरह की उन्होंने थ्रेश होल्ड रखा था उसका कि जो है ना वो और वो सिस्टम आ, हर उसको ऑर्गेनाइजेशन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना था बिल्कुल वो इंटीग्रेट करना था अपने सिस्टम के साथ कि जैसी वो रसीद इशू करेंगे वो एफ बी आर की इन्वाइस नंबर के साथ इशू होगी और वो एफ बी आर के सिस्टम में चली जाएगी फ़ौरन और वो आप उसी वक्त जाके जो है वो वो एफ की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड के अंदर आ गई है उससे होता ही है कि वो उस पर लिया गया अगर उसने कोई सिल लिया है तो वो सिल भी नहीं छुपा सकता और वो अपनी सेल भी नहीं छुपा सकता आगे इनकम टैक्स रिटर्न के लिए क्योंकि ये दो तरह से चोरी होती है एक तो वो सेल आप सेल आपसे लेते हैं वो ग़ायब कर देते हैं ऊपर से वो सेल भी गायब कर देते हैं इनकम टैक्स के लिए तो ये दो तरह से इस पर इम्पैक्ट आता है तो ये एफ बी आई ने दो हज़ार उन्नीस में शुरू किया था शॉप्स वगैरह के लिए फिर उसको एक्सपेंड किया उन्होंने सर्विस के अंदर भी क्योंकि सर्विसेज इस्लाबाद की एफबीआर के अंदर आती हैं तो रेस्टोरेंट्स वगैरह एफबीआर के अंदर आते हैं इस्लामाबाद के तो फिर उन्होंने एफबीआर ने उसको इस्लामाबाद में एक्सपेंड किया सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर इस्लामाबाद में इतना सिंपल कर दिया उन्होंने कि कोई भी रेस्टोरेंट सिवाए जो ठेले वगैरह होते हैं जिनको केसेस बोलते हैं हम लोग उसके अलावा कोई भी रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इससे मुस्तना नहीं है और सबको एफ बी आर पी एस पे लिंक होना है ठीक है ठीक है वहाँ से फिर ये बाकी सुबह में फैला अच्छा ये दो हज़ार पंद्रह सोलह के अंदर ये शबाज़ शरीफ की गवर्नमेंट ने ये पंजाब में स्टार्ट किया था जो पी आर ए कहला था पंजाब रेगिंग अथॉरिटी ये पंजाब के अंदर जो सर्विसेज को देखती है सुबह उन्होंने ये इस तरह सिस्टम स्टार्ट किया था लेकिन वो उसका क्या हुआ वो कुछ शुरू हुआ ख़त्म हो गया कुछ पता नहीं चल सका उसका ठीक है। कुछ सीखे उसका कोई इम्पैक्ट का तो ये चीज़ फिर जो है बाकी सुबह ने पिकअप की फिर सब कुछ इस तरह एफ बी के बाद फिर ये पंजाब ने भी लॉन्च किया पी आर ई कहलाता है वहाँ पर ये, ये फिर सिंध के अंदर भी आया ठीक है सिंध के अंदर एस आर बी पी ओ एस कहलाता है ये इसी तरह ये के पी के अंदर भी हो चुका है लॉन्च ये वहाँ के पी आर ए आर आई एम एस कहलाता है ये ठीक है वो सबसे उसकी लेस, आ, कम कंडीशन जो है वो केपी के अंदर है ठीक है क्योंकि इसका वो वो इसका जो रेवेन्यू आता है है को जाता है, वो बिल्कुल सर्विसेज का जो रेवेन्यू होता है वो सुबह के पास होता है और सुबह में ही रिटर्न रहता है अच्छा वो एफ वो के पास नहीं जाता वो वहाँ से एन के थ्रू वापस नहीं आता सर्विसेज का यही रह जाता है यहीं पर रहता है रेस्टोरेंट्स का इसलिए इनके पास तो ज्यादा ये एडवांटेज है कि ये इस चीज़ को फोकस करें कि ये रेवेन्यू तो वैसे भी इनके पास रहना है ठीक है इनके पास अच्छा फिर ये जब ये चीज़ लॉन्च हुई ना इस्लाबाद में लॉन्च हुई एफ ने की फिर ये बाकी सुबह ने पिकअप की तो हमने ये चीज नोट करनी शुरू की यार कि ये जितने मल्टी नेशनल चेंज हैं आप चाहे की एफसी ले लें आप चाहे मेडोनल्ड ले लें आप यू नेम इट एनी ठीक है आप अभी जो लाहौर में जो टिम होटल्स वगैरह सब कुछ जितनी एक्सपेंड किया उन्होंने सब कुछ जो चीज़ चेन यहाँ खुल रही है वो कम्प्लाइंस नहीं कर रहे ठीक है बिल्कुल वो इस्लामाबाद के अंदर आपको एफ बर पी एस की रिसिप्ट नहीं देंगे सिंध के अंदर आपको वैसआर बी पी ओस की रिसिप्ट नहीं देंगे पंजाब के अंदर वो पी आर ई आई एम एस की रिसिप्ट आपको नहीं देंगे अच्छा सिंध इनके अंदर इतना जब हमने सोशल सोशल मीडिया पे इनको इंट्रैक्ट करना शुरू किया उनको टैग करना शुरू किया चीज़ों के अंदर उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजन को टैग टैग करना शुरू किया वर्ल्ड वाइड के आपके लोग आपका ये आम यहाँ पे ये काम कर रहा है ठीक है तो फिर एक दो रसीदों के ऊपर जो है ना वो वो के ने और मैकडानल्ड ने रिप्लाई किया हमें ना यहाँ पे सिंध में हमें पता था कि ये ये रसीद सही है जो कि उन्होंने दी नहीं हमें क्योंकि वो समझ लें जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट के ऊपर आपको रसीद अक्सर मिलती होगी प्री पेमेंट के नाम से स्लिप मिलती होगी या प्री सेल की रिसिप्ट ठीक है वो फाइनल रिसिप्ट नहीं होती तो हमें पता था यार हो सकता है इस सिलेबस रिसिप्ट इशू की हो ठीक है ना तो हमने वो डाली उन्होंने बोला नहीं यार इसकी हमने फाइनल रिसिप्ट एस आर बी की इशू की थी उन्होंने हमें दे दी हमने बोला ठीक है बहुत अच्छा काम किया आपने ये दे दिया हमने वो भी डाल दी ठीक है भाई कि हमने वहाँ शिकायत डाल दी आप पब्लिक फोरम पर ये भी हम पब्लिक फोरम पर डालेंगे कि भाई रिप्लाई उन्होंने किया है ठीक है उसके बाद जो हमने उनकी पंद्रह बीस कंप्लेन है पंजाब की मुख्त शहरों की मुख्तलिफ ब्रांचेज की हुई थी कि भाई यहाँ पर आपको पी आई आई एम एस की रिसिप्ट देनी थी वो 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 क्यों नहीं दी आपने अभी तक हमने वो सारी टैक की उनको दोबारा कि भाई इनका भी जवाब दे दें आप ठीक है इसकी भी वो आप रिश्ती ठीक है वो दिन और आज का दिन है उनके कोई मतलब कहीं रिमाइंडर हमने मैकडोनल्ड्स को भी दिए उन्होंने उसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उसकी रिसिप्ट हमने इशू की ही नहीं है फाइनल पी आ रही है ये तो इसी तरह हमने ये टिपॉर्टेंस को भी बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं उनकी इसी तरह बहुत कम जो है वो आपको प्रॉपर कम्प्लाइंट रिसप्ट लोग देते हैं यही हाल आपका पिशावर से लेकर कराची तक, तक तमाम इंटरनेशनल और लोकल चेंज का है ठीक है जो या तो पहले इंटीग्रेट ही नहीं होते हैं उनकी हफ्ते इम्कान कोशिश होती है कि इंटीग्रेट नहीं होना है ठीक है रियल टाइम इन्वास सिस्टम के साथ अच्छा इसके अंदर एक इशू ये भी लोग कहते हैं यार कि ऑलरेडी रसीद तो वो दे रहे हैं भाई रसीद वो दे रहे हैं रसीद दे रहे हैं सेल टैक्स पे लिखा हुआ है बिल्कुल रसीद वो दे रहे हैं लेकिन आप कैसे श्योर कर सकते हैं कि वो अगर दिन की एक लाख रुपये की सेल कर रहा है तो वो अपने मंथली सेल टैक्स से रिटर्न के अंदर जो है वो एक लाख रुपये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है या वो दस हज़ार रुपये शो कर रहा है कि मैंने दस दस हज़ार रुपये सेल की है उसका सेल टैक्स ये बनता है या मुझसे ले लें ठीक है आपके पास कोई चेक करने का निज़ाम ही नहीं है वो वो साल पाँच साल के बाद कभी उसका गलती से रेवेन्यू अथॉरिटी ऑडिट करेगी किस स्केल पर करेगी क्या है वो कोई नहीं बता सकता जब आपके पास एक सिस्टम आ चुका है और वो मैंडेटरी है उसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ईजी हैं कि जो है वो कोई तुक नहीं है उनकी अगर वो जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल अगर के है या कोई भी बड़ा कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट कराची के अंदर है ठीक है या पंजाब में लाहौर में है जब वो ऑलरेडी आपको एक कंप्यूटराइज रिसिप्ट दे ही रहा है ऑलरेडी ठीक है ठीक है उस पर भी चार्ज कर रहा है तो क्या वजह है कि वो रियल टाइम फंडिंग सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं हो रहा क्यों उसका कोई इनवाइस का खर्चा नहीं बज रहा वो ऑलरेडी इन्वाइस आपको दे रहा है प्रिंट करके दे रहा है पेपर का खर्चा उसको ऑलरेडी हो रहा है तो सिर्फ कोई वजह कोई वो क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार नहीं होते ठीक है पहला रेड फ्लैग होता है आपका कि ये क्रेडिट कार्ड नहीं ले रहा ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा कैश पेमेंट चाहिए उसको नहीं तो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है रेस्टोरेंट अगर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है ठीक है आपके बिज़नेस से लिंक है ऑलरेडी तो वो सेल आपके लिए छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर ठीक है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में चली जाएगी वो कभी भी अथॉरिटी ऑडिट करेगी अगर आप अपनी रिटर्न में जमा ना भी कराएं तो वो आप फंस सकते हैं उसकी ट्रेल आप मिटा नहीं सकते फॉर एक्जाम्पल एक होटल है वो दो लाख की सेल कर रहा है बिल्कुल ठीक है उसके बाद ज़्यादातर तो कैश ही आ रहा है ना क्योंकि हमारी इकॉमी कैश पे ही चल है बहुत कम होगा शायद बीस होगा कि वो कार्ड से पे कर रहे होंगे तो अगर वो बीस परसेंट कार्ड से चार्ज कर भी रहा है तो वो इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं बन रही बिल्कुल वो फिर भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ठीक है उससे है? भी अवॉइड हाँ, एक तो उसका रीजन जनवल कुछ लोगों का वाकई होता है कि बैंक उनको फीस चार्ज करते हैं

तो उसकी जो फीस है वो मेरे अकाउंट से ही कटती है वो अलग हाँ। से उसमें आ रही होती है स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी है कि अठारह रुपये कटे हैं या बीस रुपये कटे बिल्कुल ऐसी है वो अब ऑप्शन हो गया है ठीक है वो अच्छा। बहुत सारे लोग आप पे डाल देते हैं भाई कि हम अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ये आप ही पे पे करेंगे ठीक है वरना स्टार्ट में फटे ही होते थे कि भाई हम ये पे नहीं करेंगे ये फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं अगर आपको शौके कार्ड से पेमेंट करने का तो ये आप बियर करेंगे ये एज अ बिजनेस मैं बियर नहीं करूँगा ठीक है तो ये कुछ लोगों का जेनवन रीज़न था लेकिन मोस्टली लोगों का रीज़न यही था कि ये सेल मुझे किसी तरह दिखानी ही नहीं है सिस्टम में ठीक है ना कार्ड पे आएगी ना अकाउंट में आएगी ना मुझे कहीं शो करनी होगी कैश की सेल है जितनी मेरी मर्जी आएगी मैं दिखाऊंगा जितनी मेरी मर्जी आएगी मैं नहीं दिखाऊंगा इसी वजह से ये रियल टाइम एडवाइस फंडिंग सिस्टम सारी अथॉरिटीज़ ने लॉन्च किया है अब सारी ये इसी वजह से बचने के लिए कि आप कैश में सेल करो भले ठीक है हम आपको बाउंड नहीं कर रहे और आज की डेट तक ये बाय लॉ बाउंड नहीं है आप कार्ड एक्सेप्ट करने के वो डिक्लाइन कर सकते हैं कि हम ये आपको सहूलत नहीं दे रहे ठीक है वो बाय लॉ बाउंड नहीं है उनकी मर्जी है कि वो आपको ये सहूलत दें या ना दें ठीक है लेकिन उससे बचने का अथॉरिटीज़ ने ये तरीका निकाला कि ये सिस्टम से सबको इंटीग्रेट करो ताकि वो कैश की रसीद भी काटेगा का, तो वो उसी वक्त उनके सिस्टम में चली जाएगी फिर वो छुपा ही नहीं सकता उसको सही अच्छा, अच्छा तो कुछ नाम ले रहे थे आप दो तीन आपने नाम बताए और कोई दो चार बड़े नाम आप वो भी ले लें कि जो मतलब वाकई जो बिल्कुल सेट थे और बिल्कुल कानून के मुताबिक थे अच्छा इसमें बड़ा शौकिंग है लोगों के लिए खासतौर पर मेरे लिए भी बहुत शौकिंग है ठीक है अब कराची के अंदर कोई रेस्टोरेंट के अगर नाम आता है जैसे कोई कराची से बाहर से भी अगर आपका मेहमान आते हैं ना आप उसको साले समंदर पर रेस्टोरेंट है वहाँ जरूर लेके जाते हैं ठीक है यार कि ये कराची का मैंने इस तरह आप इस्लामाबाद में मनल को सुनते हैं ठीक है यार कि इस्लामाबाद तो जाना है तो मुनाल ज़रूर जाना है ठीक है इसी तरह आप कराची आते हैं तो आपको एक रेस्टोरेंट है साले समंदर के ऊपर कुलाची ठीक है वहाँ अपने मेहमान को आप जरूर लेके जाते हैं ठीक है सिंध के अंदर ये सिस्टम लॉन्च हुए हुए जिसको एस आर कहते हैं हम एक साल और दस महीने हो चुके हैं उसका मैंडेटरी पीरियड रजिस्टर का गुजरे हुए ठीक है कि उसके बाद हर किसी को मैंडेटरी रजिस्टर होना है जो इस थ्रेश के अंदर आता है और उसका थ्रेश इतना सिंपल है कि अगर साल का आपका रेवेन्यू एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है जो कि दिन के अगर आप साढ़े तीन सौ दिन भी साल के लेते हैं कि रेस्टोरेंट ओपन है तो वो अट्ठाईस हज़ार रुपये बनता है ठीक है कराची का कौन सा रेस्टोरेंट होगा मुझे आप बता दें जिसका दिन का अट्ठाईस हज़ार रुपये का रेवेन्यू भी नहीं होगा चाहे कि ढाबे का भी रेवेन्यू ज़्यादा होगा सेल की बात हो बिल्कुल सिर्फ ये सेल की बात हो रही प्रॉफिट की बात नहीं हो रही तो आप ये समझ लें कि नाइनटी नाइन रेस्टोरेंट्स को ढाबेज इंक्लूडेड कराची के अंदर और सिंध के अंदर उन सबको को एस पी एस पे इंटीग्रेट होना है और इस सिस्टम को आए हुए एक साल और दस महीने से ज़्यादा हो चुके हैं ठीक है और आज की डेट तक कोलाची इंटीग्रेट नहीं है ठीक है इसका कोई जवाब दे दे सिंध रेवेन्यू बोर्ड अथॉरिटी की तरफ से दे दे ठीक है ये एक मिसाल है आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ले लें आप कराची के आप मंदी हाउस को ले लें आप कराची फूड्स को ले लें आप जेटिन को ले लें आप अनवर बलूच को ले लें आखिरी कंप्लेन उनकी हमने तीन चार महीने पहले की थी उस वक्त भी इंटीग्रेट नहीं थे हमें तो इतना शौकिंग जवाब आया था उनका जो हमने अनु बलोच की कंप्लेंट की थी जो कराची में पैदा हुए हैं बचपन से जानते होंगे अनुपा बलोच को हम बचपन से देख रहे हैं ठीक है माशा इतना बड़ा रेस्टोरेंट उन्होंने इतना फरविश करके पूरा इतना बड़ा करके बनाया भी है हमने जब उनकी पहली कंप्लेंट डाली थी तो उस पर सिर्फ रेवेन्यू बोर्ड का ही रिप्लाई आया था कि इनको तो रजिस्टर ही नहीं होना है ठीक है रजिस्टर ही नहीं होना है का मतलब ये है कि उनका साल का रेवेन्यू उस वक्त जो उनका थ्रेशल था सिर्फ रेवेन्यू बोर्ड का बेसिक रजिस्ट्रेशन का वो ये चालीस लाख रुपए का साल का रेवेन्यू था साल का जी तो वो कितना बनता है दिन का आप लगा ले साढ़े तीन सौ के बर... द, द, दस हज़ार से भी कम ठीक है कि उनका इतना रेवेन्यू भी नहीं है ठीक है उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि उनको एस आर बी पी इंटीग्रेट नहीं होना है तो उनका ये कहना चाह रहे हैं सिंध रेवनी बोर्ड के एस पर क्योंकि सिंधरेविन्यून बोर्ड के पास तो एक ही तरीका है कि जो मंथली सेल टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपना और जो साल काम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है एफबीआर के अंदर उसी से उन्होंने नंबर्स लिए होंगे ठीक है ठीक है तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी साल की एक करोड़ रुपये भी सेल नहीं है ठीक है और उनका अट्ठाईस का भी रेवेन्यू नहीं था दिन का ठीक है जो वो रिटर्न जमा करा रहे थे तो इसलिए उनको इंटीग्रेट नहीं होना है सर बी के ऊपर ये रिप्लाई किया था उन्होंने हमारी पहली कंप्लेंट का जो कि हमें पढ़ के तो यकीन नहीं आया कि ये या तो बड़ा रेस्टोरेंट है या तो ये है, होती है खुद हो इनको नहीं पता या, या ये हमेशा मजाक कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये हमारे यहाँ हाल है ठीक है रेस्टोरेंट्स का फिर उनको हमने दोबारा कंप्लेंट की कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं आप रिप्लाई करते हुए सोच रहे हैं कि आप ये क्या रिप्लाई कर रहे हैं कि ये वो आप ये कहना चाह रहे हैं उनके यहाँ दस बारह तो बकरे लटके होते हैं मटन कढ़ाई के वो दिन में एक दस किलो का बकरा नहीं बेच पा रहा है आप ये कहना ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी ये सेल भी नहीं है दिन की तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक रेस्टोरेंट साल का कितना टैक्स चोरी कर रहा होगा अगर आप उसकी दिन की एवरेज दो लाख रुपए भी सेल लगा लें जिस लेवल का वो रेस्टोरेंट है और वीकेंड्स पे आप इसको चार पाँच लाख रुपए लगा लें अगर तो सिर्फ इस एक रेस्टोरेंट की आप सेल टैक्स का अमाउंट का अंदाजा लगा लें साल का और इनकम टैक्स इसके ऊपर कि वो कितने सालों से चोरी कर रहे होंगे ये चीज़ ठीक है तो ये पाकिस्तान के अंदर इस सेक्टर के अंदर हाल है तो ये हो रहा है अच्छा ये चार्ज करते हैं सेल टैक्स बिल्कुल वो चार्ज होता है बिल्कुल वो चार्ज कर रहे होते हैं ठीक है तो भाई मैं तो यही कहूँगा ये तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि एक इतना बड़ा सेक्टर है जहाँ से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप उसकी तरफ तोज्जो नहीं दे रहे बिल्कुल इसके अंदर जो है ना सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जो आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे लास्ट दो हज़ार की जो है उन्होंने अपडेट की हुई वे अपनी वेबसाइट के ऊपर इसमें उसमें उन्होंने नंबर दिया है कि ये कितने अब तक रेस्टोरेंट जो हैं वो एस आर बी पी एस पे इंटीग्रेट कर चुके हैं ठीक है वो कुछ चार सौ कुछ टोटल का नंबर है जिसके अंदर ब्रांचेज मिला के ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर के है उसकी दस ब्रांचेज है ये पूरे दो से अब तक ये नहीं दो से नहीं क्योंकि एस आर जो है वो फेब्रवरी दो में लॉन्च किया था सिंधरा विवनी बोर्ड ने ठीक है ठीक है और उसके पैंतालीस या पचास दिन का टाइम था कि वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन का ये इस क्राइटेरिया के अंदर जो जो आ रहा है वो रजिस्टर हो जाए उसके बाद फिर मैंडेटरी है फिर आपको फाइंस भी लगाएंगे और फिर आपका रेस्टोरेंट भी सील करेंगे और फिर आपको इंटीरियर करेंगे मैंडेटरी ठीक है ठीक है उस वक्त उस बात को भी एक साल दस महीने हो चुके हैं तो एक साल दस महीने के अंदर उन्होंने अभी अभी तक अपनी रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने लास्ट पब्लिश की है जो जुलाई दो तक की कि एक साल और तीन महीने के अंदर उन्होंने चार सौ कुछ रेस्टोरेंट जो है वो इंटीग्रेट किए थे अभी तक ठीक है उसके बाद अभी फर्दर ये साल ख़त्म होगा तो फिर शायद वो अगली अपडेट करेंगे अभी तक ठीक है तो ये अभी तक उनकी प्रोग्रेस है इसके अंदर और इसके अंदर इतने बड़े बड़े नाम नहीं है तो हमें तो समझ में नहीं आता कि किस क्राइटेरिया के ऊपर वो ये कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इतनी कंप्लेन इनकी हम कर चुके हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मंदी हाउस है उनकी चौदह है तो जो है वो हम कर चुके हैं ठीक है कि भाई ये अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है उसके बाद वाला ये दोनों ब्रांचेस ये शरफाबाद वाली ये शहीद मिलत वाली भी इनकी और इनकी सुबह हाईवे की इन्होंने इतनी बड़ी ब्रांच खोजी अच्छा। है ठीक है उसमें यही है कि भाई सीटा साहब मुझसे ले रहे हैं सब कुछ है तो आप मुझे वजह तो बता दें कि क्यों आप क्यों इंटीग्रेट नहीं तो 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 हो रहे मतलब कोई वजह तो होगी कोई एक पॉजिबल रीज़न कोई समझा दें हमें कि यार क्यों इंटीग्रेट नहीं हो रहा है इसकी क्या वजह है इसे मतलब अगर आप अपनी सेल नहीं छुपा रहे रिटर्न के अंदर तो इसकी कौन सी दूसरी ऐसी वजह है जो आप उस सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं हो रहे उस सिस्टम से मैं ऐसा कोई आपको लंबा चौड़ा हार्डवेयर नहीं लगाना कुछ नहीं लगाना वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो जाता है आपके तो ये तो सिर्फ इसकी एक ही वजह है कि आपको अपनी सेल दिखानी नहीं है उससे उसका सेल टैक्स दिखाना नहीं है आपको पूरा तो इसी वो वो नंबर जो है वो हमें सिंध रेवेन्यू बोर्ड की साल की रिपोर्ट के अंदर भी नज़र आते हैं जिसके अंदर बाईस तेईस के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है ये मिसाल है सिर्फ एक सूबे की ठीक है जो जिसके अंदर कराची फाइनेंशियल कैपिटल है ठीक है कि टोटल सर्विसेज के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट और कैफेज़ के हेड के अंदर जो सिध रेवे्यू बोर्ड ने सिल टैक्स जमा किया है वो फोर बिलियन रुपीज़ है चार अरब रुपये टोटल सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जमा किया है ठीक है रेस्टोरेंट और कैफेज के अंदर बाईस और तेईस के अंदर सेल टैक्स जो कि साल का अगर आप तो बहुत कम रकम नहीं है ये रकम तो मतलब समझ लें कि ये राउंडिंग एरर होना चाहिए ये इस तरह की रकम है ये तो आप मतलब चार अरब रुपए पूरे से कराची से जी पूरे से पूरे सिंध से पूरे से ठीक है और हम रेज्यूम ये कर रहे हैं कि पकवान सेंटर्स जिसके अंदर इंक्लूडेड है उसकी वजह ये है कि जो टोटल सत्ताईस सेक्टर्स उन्होंने दिए हैं ठीक है पूरा लिस्ट वाइज और नाम वाइज कि जिनका रेवेन्यू सेल टैक्स कलेक्शन जो है वो एक बिलियन से ऊपर है उसके अंदर पकवान सेंटर्स का नाम कहीं भी नहीं है या तो उसको अगर अलग से मैंशन करते हैं तो उसका एक बिलियन का भी रेवेन्यू नहीं है कि उसको मैंशन करते या फिर वो इसके अंदर इंक्लूडेड है तो आप ज़रा इस लेवल का अंदाजा लगाएं कि कितने रेस्टोरेंट्स होंगे सिंध के अंदर और कितने पकवान सेंटर्स इंक्लूडेड और उसके अंदर क्या रेवेन्यू ये शो कर रहे हैं तेरह परसेंट का टैक्स का रेट है तो ये टोटल साल का ये कह रहे हैं कि इकतीस अरब रुपए की टोटल जो है वो इन रेस्टोरेंट्स और कैफेज़ के अंदर और सेल हुई है जो पूरे सिंध से दो करोड़ की से ज्यादा ही कराची की ऑफिशियल आबादी डिक्लेयर है उसके अंदर टोटल इकतीस अरब रुपए की रेस्टोरेंट की सेल हुई है पूरे सिंध के अंदर ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है बाईस सौ तेईस के अंदर तो आप मरे से मारा पच्चीस हज़ार पचास हजार रेस्टोरेंट पूरे पाकिस्तान में ले लें आप उसके अंदर आप दस हज़ार बीस हज़ार रेस्टोरेंट सिंध के अंदर ले लें आप मैं बोल रहा नहीं यार ज़्यादा बहुत बहुत होंगे अच्छा इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है ना वो कोई नंबर ख़ुद रिलीज करते हैं कि टोटल कितने रेस्टोरेंट हैं ठीक है ना इस पर कोई पाकिस्तान में कोई सीरियस रिसर्च मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की मुझे नहीं मिली कि, अच्छा कि किसी अदारे ने की हो कोई पी वगैरह किसी इदारे ने की हो या कामिक्स किसी ने की हो कि भाई पाकिस्तान में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितने अनरजिस्टर्ड हैं कितने रजिस्टर्ड हैं कोई फॉर्मल स्टडी मुझे कोई नंबर्स अभी तक नहीं मिले दो हज़ार के सोलह के मुझे कुछ विलॉग्स वगैरह मिले इंटरनेशनल लोगों की भी कुछ नेशनल पब्लिक की भी जिसमें उन्होंने ये उस वक्त नंबर दिया था कोई नौ साढ़े नौ दस हज़ार के आस पास, पास और टोटल अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड मिला के कोई सत्रह हज़ार के पास ठीक है कोई नंबर दिया था उसको आगर आगर आप अगर आप एस्ट्रापोलेट भी कर दें कोई पच्चीस पचास हज़ार पर जाएगा वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी है फूड पांडा वो उनकी जो नंबर्स जो ऑफिशियली डिक्लेयर तो करते नहीं है वो हालांकि उनके सारे रेस्टोरेंट पब्लिक ही होते हैं जिससे हम आप ऑर्डर करते हैं आप जाके चेक कर सकते हैं सिटी वाइज़ कितने हैं तो अनऑफिशियल जो नंबर्स हैं वो उनके पंद्रह से बीस हज़ार के बीच में जो एक्टिव उनके रेस्टोरेंट्स हैं जो कि मोस्टली छोटे रेस्टोरेंट से होते हैं वहाँ बड़ी चेंज ने भी अब उनसे जो है वो खत्म कर दी है चीज़ें और बाकी जितने हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं जो मिड लेवल रेस्टोरेंट्स भी हैं वो फूड पांड अब आप आपको अवेलेबल नहीं होते हैं बड़े हो शहरों को अपनी डिलीवरी करते हैं बिल्कुल वो सब अपने करते हैं तो वो नंबर आप सिर्फ वहाँ से ही ले लें और ये आप खाली आप कराची के अंदर ही देख ले लें मैं अपने गुलशन यहाँ में रहता हूँ मैं सिर्फ वहाँ ही देख लूँ यार हज़ार तो मैं सिर्फ खुद काउंट कर सकता हूँ तीन चार बड़ी स्ट्रीट्स के ऊपर सेंटर्स वगैरह मिला के सबको तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ये किस तरह का नंबर दे रहा है कि यार ये किस किस्म कलेक्शन कर रहे हैं ये तो बस इस पर अफसोस किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता ऐसा तो नहीं है कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है और शो कम किया जा रहा है बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि देखें होता ही है कि जितनी हमने कम्प्लेंस किए हैं मतलब अगर एक यूज़र बैठ के रेस्टोरेंट में जा रहा है खाना खा के रसीद देख के वो कम्प्लेन कर रहा है कि यार ये रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड रेश्टर नहीं है या फिर ये रजिस्टर्ड है तो ये नॉन हमें रिसिप्ट दे रहा है और उसको बाद में रेवेन्यू अथॉरिटी एक्नोलिज करिए कि हाँ बिल्कुल ये इतने बड़े बड़े नाम रजिस्टर्ड हुए हैं ये केबीज़ फॉर एग्जाम्पल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं केबीज जो है वो बचपन से उसकी आइसक्रीम खाते हुआ आ रहे हैं केबीज़ की ठीक है क्योंकि जो कराची में रहता है केबीज़ अभी जाके रजिस्टर्ड हुआ है अच्छा ठीक है बलोच आइसक्रीम सदर के अंदर पिशावरी हम पूरी पचास साल से देख रहे हैं उसको ठीक है वो कम्प्लेन के बाद जाकर रेवन्यू बोर्ड उसको रजिस्टर कर रहा है ठीक है तो उसके ऊपर हम सिर्फ यही कह सकते हैं यार कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ये चीज़ ना पता हो क्योंकि जो इदारे हैं जिसके ऑफिसर जिसमें ऑफिसर्स डिप्यूट होते हैं जिनकी जेडी ही सिर्फ यही है उनको ये चीज़ ना पता हो ये हो ही नहीं सकता तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप जो है वो जानबूझ के उसको ओवरलुक करते हैं उसके ऊपर आपके पे कंप्लेंट्स पे ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं कि यार ये रेस्टोरेंट है आपने गलती से ला देखा भी नहीं उसको और आप कह रहे हैं कि यार इसका तो साल का जो है वो एक करोड़ रेवेन्यू भी नहीं है इसको इंटीग्रेट होना ही नहीं है तो ये आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या ये कॉम के साथ मजाक कर रहे हैं तो ये ऐसा हो नहीं सकता है वो आपको पता ना हो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप जानबूझ के और किसी वजह से जो है उसको ओवर करते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ मुल्क को ही हो रहा है अभी हमने उन लोगों की बात की जो तेरह सेल टैक्स चार्ज करते हैं रसीद पर भी लिखा हुआ होता है मगर वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाता वो उनकी अपनी जेब में चला जाता है अच्छा अब कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जिनसे जिन्हें जिनसे हमें रसीद मिलती है मगर उसके ऊपर सेल टैक्स लिखा हुआ ही नहीं होता ठीक है तो वो अगर सेल टैक्स नहीं लेते तो क्या वो सही करते हैं क्योंकि अगर वो सेल टैक्स नहीं ले रहे तो जाहिर सी बात है फिर प्राइस में कस्टमर को कमी मिल रही है ना तो वो भी गलत कर रहे हैं अच्छा इसके अंदर ना जो बेसिक सवाल लोगों का होता है मैं उसको इसमें जोड़ दूँ कि यार हमें कैसे पता लगेगा किस रेस्टोरेंट या रसीद को जो है वो रजिस्टर होना है किसको नहीं होना किसको हमें कौन सी रसीद देनी है तो ये थोड़ा, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि एटीन अमेंडमेंट के बाद जो सुबह को डिवॉल्व हो गई सर्विसेज तो हर सुबह का सिस्टम अलग है अब पंद्रह परसेंट सेल टैक्स एफ बी आर चार्ज कर रहे हैं रेस्टोरेंट को इस्लामाबाद के अंदर ठीक है ठीक है उसने मैंडेटरी कर दिया कि इस्लामाबाद के तमाम रेस्टोरेंट्स को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको एफ बी आर पी ऐस पर डे वन से इंटीग्रेट होना लाजमी है किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं है अब उन्होंने उसमें एक और चीज़ भी कर दी कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ़ पाँच परसेंट सेल टैक्स देना है ठीक है अच्छा और ये तमाम ग्लोबल चेंज पे भी लाजमी है किसी को कोई एग्जेम्शन इसमें टिल डेट अभी तक तो उन्होंने नहीं दिए ठीक है जो कार्ड से पेमेंट लेगा वो पाँच परसेंट सेल चार्ज करेगा पंद्रह परसेंट चार्ज नहीं करेगा इस्लामाबाद के अंदर अच्छा ठीक है अब आप मूव करें पंजाब के अंदर पंजाब में बेसिक क्राइटेरिया ये था ये था बेसिक कि अगर साठ लाख रुपये आपकी साल का रेवेन्यू है ये प्रॉफिट की बात नहीं हो रही सिर्फ सेल की बात हो रही है ठीक है तो आपको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना लाजमी है ठीक है आपको सेल टैक्स जमा करना है और फिर आगे गवर्नमेंट को जमा कराना है तो वहाँ पंजाब में रे, 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 रे रेट है सोलह परसेंट ठीक है सेल्टेक्स का रेस्टोरेंट्स का अब वहाँ भी ये चीज़ थी कि यार आ, कार्ड पे जो है ना वो पाँच परसेंट पेमेंट चार्ज होगी ठीक है उसके अंदर लेकिन पी आर ए कुछ एक्जेंशन देता है लेकिन वो एक्जशंस की एक शर्त है वो तो आपको लेनी पड़ती है रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और उसके लिए लाजमी है कि आपका रेस्टोरेंट जो है वो पी आई ई आई एम एस के सिस्टम के साथ उनका जो रियल टाइम सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट हो अब पंजाब में इसका थ्रेश क्या है हर किसी को पी आर ई आम एस से इंटीग्रेट नहीं होना ठीक है एक तो बेसिक है कि यार साठ लाख का साल का रेवेन्यू है तो उसको रजिस्टर तो लाजम होना है और उसडेस कलेक्ट करके जमा कराना है ठीक है और उसकी सारी चीज़ें उसकी रसीद के ऊपर होनी चाहिए जो आप जाके वेबसाइट पे सर्च भी कर सके कि यार ये इसका नंबर है रजिस्ट्रेशन का ये वेबसाइट के ऊपर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की एक्टिव आ रहा है ठीक है वो सब रेवेन्यू अथॉरिटी का अच्छी तरीके से अब प्यारे ई में इसका थ्रेशोल्ड उसका ये है कि अगर साल का आपका एक करोड़ बीस लाख रुपये का रेवेन्यू है ठीक है एक करोड़ बीस लाख का साल का रेवेन्यू टोटल पूरा कम कंबाइन तो आपको प्यार ही आइए में लाजमी इंटीग्रेट होना है मैंडेटरी है कोई चॉइस नहीं है आपके पास ठीक है ये हो गया पंजाब अब आप मूव करें के के ऊपर के के अंदर बहुत सारे एरियाज़ जो है ना वो वारन टेर के बाद एग्जाम थे सेल टैक्स से ठीक है जिसमें आपका फाटा का पूरा रीजन है और पाटा का पूरा रीजन जो था जो पी ए टी ए कहलाता है उसमें सवात वगैरह आ जाते थे वो सब सेल टैक्स से एग्जाम थे जो कि अभी अक्टूबर दो था तेईस के अंदर एग्जामेशन खत्म हो गई है ठीक है वहाँ पे भी के पी आर आई आर आई एम एस जो है वो लॉन्च हो चुका है लेकिन उसका थ्रेश इस तरीके से नहीं है कि किस कैटेगरी को इंटीग्रेट होना है वो अभी सिर्फ एज ए वॉलेंटरी है कि अगर कोई उसको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर ले रेस्टोरेंट ठीक है अभी तक वो इन्फोर्स नहीं किया उन्होंने कि कि ये थ्रेश है आपको लाजमी इंटीग्रेट होना है ठीक है और वहाँ जो है वो ढाबे को भी इंटीग्रेट होना है उसके ऊपर वो सिर्फ वन परसेंट सेल टैक्स चार्ज करते हैं ठीक है जो छोटे से छोटा ढाबा ढाबा भी है फिर वो कैटेगरी वाइज जो है वो उसके परसेंटेज चेंज हो जाती है वो आठ परसेंट भी चली जाती है और फिर वो फाइनली पंद्रह परसेंट पर भी चली जाती है ठीक है जो ढंग के रेस्टोरेंट हैं मिड लेवल रेस्टोरेंट्स हैं हाई रेस्टोरेंट्स हैं के पी के अंदर अब आप मूव करते हैं सिंध के अंदर सिंध के अंदर जो बेसिक रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी का वो पहले था चार लाख चार मिलियन मतलब साल के चालीस लाख रुपये की सेल अगर आपकी है जो कि उन्होंने उसको और कम कर दिया है जो कि साल की पच्चीस लाख रुपये की सेल के ऊपर ले गए आपकी टू पॉइंट फाइव मिलियन अगर पूरे साल के अंदर आपका पच्चीस लाख रुपये का रेवेन्यू है ठीक है तो आपको सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ लाजमी रजिस्टर होना है और आपको सेल टैक्स चार्ज करना है तेरह परसेंट के हिसाब से वो जमा कराना है गवर्नमेंट को ठीक है अगर आप वो नहीं कर रहे तो भी आप जो है वो कानून तोड़ रहे हैं ठीक है थीके? वो बाय लॉ जो है वो अलाउ नहीं है आपको और उसके बाद फिर एक एक स्टेप ऊपर चला जाता है और अगर आपकी साल की एक करोड़ रुपये की सेल है ठीक है ये बेसिक क्राइटेरिया है तो आपको एस आर जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का रियल टाइम इन्वेस्टमेंटिंग सिस्टम है उसके साथ इंटीरियड आपको होना लाजमी है आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो ये बेसिक क्राइटेरिया है और उस परसेंटेज वही सेम है थर्टीन परसेंट और सिंध के अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो रिलीफ नहीं है कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको पाँच परसेंट का टैक्स देना होगा नहीं देना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है सिंध के अंदर अभी तक ये रिलीफ नहीं है तो ये बेसिक क्राइटेरिया है टोटल तो कराची के अंदर तो मुझे बाकी इंटीरियर सिंध की बात में नहीं कर सकता लेकिन कराची के अंदर तो कोई भी ऐसा शायद रेस्टोरेंट नहीं होगा इवन चाय का ढाबा भी नहीं होगा ऐसा जिसकी साल की जो है वो एक करोड़ रुपए की सेल नहीं होगी जो कि अगर आप साल के साढ़े तीन सौ दिन भी अगर लगाते हैं कि वो रेस्टोरेंट या ढाबा ओपन है तो वो दिन के अट्ठाईस हज़ार रुपये बनते तो कोई चाय का ढाबा भी नहीं होगा ऐसा जिसकी अट्ठाईस हज़ार की दिन की सेल नहीं हो तो या तो उसने रेवेन्यू बोर्ड ऐसे कानून नहीं बनाए या अगर वो कानून ऐसे उन्होंने बनाए तो फिर उसको इन्फोर्स कराना लाजमी है ठीक है लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन की अब तक की प्रोग्रेस है वो तो बिल्कुल जो है वो इसके मुताबिक नहीं है अब तक हज़ारों में रजिस्टर होने चाहिए रजिस्ट्रेशन की हमने उन रेस्टोरेंट्स की बात तो कर ली जो हमें रिसिप्ट देते हैं ठीक है कुछ रेस्टोरेंट्स गली मोहल्ले में ऐसे होते हैं कि जैसे हम वॉक करते हुए जा रहे हैं कोई होटल नज़र आया बैठ के हमने कुछ खा लिया ठीक है कोई स्नैक ले ली खा लिया चाय पी ली वो जो है आपको रसीद भी नहीं देते बिल भी नहीं देते तो क्या उनको भी मतलब ये सें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ जो है वो अटैच होना जरूरी बिल है बिल्कुल जैसे कि हमने बताया सिंध रेवेन्यू बोर्ड का क्राइटेरिया है वो ये नहीं देखता कि रेस्टोरेंट किस लेवल का है उन्होंने थ्रेश होल्ड बनाया कि यार थ्रेश वर्ड इसलिए बनाया है कि यार जो इसमें ना आ रहा हो ना उसको रेस्टोरेंट नहीं होना जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर मैंने आज के दिन को बिजनेस स्टार्ट किया है ठीक है और मैं उनके थ्रेश होल्ड बेसिक थ्रेश होल्ड जो उनका है कि यार मेरी पच्चीस लाख की सेल तो नहीं हुई ना अभी मैंने अगर एक हफ्ते मेरे काम करते वो हुआ है ठीक है मैंने नया रेस्टोरेंट खोला है मेरी कोई ब्रांच भी नहीं है ठीक है मैं किसी ए मॉल में ऑपरेट नहीं कर रहा मेरा कम्युनिटी इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल भी चालीस हज़ार से कम है तो ये उनका बेसिक क्राइटेरिया है बेसिक रजिस्ट्रेशन का तो मुझे अभी फ़ॉरन रजिस्टर्ड नहीं होना है उनके साथ ठीक है जब थीके, तक मैं पच्चीस लाख तक की सेल नहीं करूँ बिल्कुल साल के अंदर ठीक है या फिर मैंने ब्रांच खोल ली या फिर मैंने ए लगा लिया ठीक है अपने बिजनेस के अंदर तो ये मैं उनके मैं उनकी थ्रेश के अंदर आ गया फिर मुझे रजिस्टर लाजमी होना है ठीक है तो ये क्राइटेरिया है उन्होंने जब यह क्राइटेरिया बना दिया है या तो फिर उस क्राइटेरिया को ऊपर लेके जाए ठीक है ये क्राइटेरिया काफ़ी काम है हमारे हिसाब से भी काम है या अगर बना दिया तो उसको इन्फोर्स करें ऐसा नहीं करें क्राइटेरिया बना के आपने छोड़ दिया वो वो इन्फोर्स नहीं हो रहा है क्योंकि वो आपके नंबर्स में कहीं भी नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी तो ये बेसिक क्राइटेरिया है इनके अंदर ठीक है अच्छा जुबैर भाई पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत से इदारे टैक्स ले रहे हैं समझ में नहीं आता कि मतलब फेडरल कहाँ से टैक्स ले रहा है और जो है ये हमारे सूबाई जो इदारे हैं वो कहाँ से टैक्स ले रहे हैं इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करें ना कि कौन से चीज़ें जो हैं एफ के अंडर आती हैं कौन सी सिंध ऑफ सिंध सिन्द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती हैं या कौन सी पंजाब में कौन किस तरह से लेता है बिल्कुल इसको बेसिकली समझ लिए हैं कि दो तरह के टैक्स होते हैं आपके समझ लें एक बेसिक डायरेक्ट टैक्स होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है पाकिस्तान में इनकम टैक्स जो है वो पूरे पाकिस्तान का जो कि आप साल का रिटर्न जमा कराते हैं अपना बिजनेस जो है वो क्वार्टरली भी कराते हैं ठीक है इनकम टैक्स जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में चाहे किसी भी कोने के अंदर है वो एफबीआर डील करता है वो एफबीआर का डोमेन है ठीक है अब जो सेल टैक्स की बात आती है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज़ हैं उसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं कि सर्विसेज से भी सेल टैक्स जमा होता है गुड्स से भी जमा होता है अब गुड्स के अंदर आपकी बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं आपके साबुन शैम्पू वगैरह टूथपेस्ट टूथब्रश कपड़े जूते वगैरह इस तरह की सब चीज़ें आ जाती हैं गाड़ियाँ वगैरह ये सब गुड्स के अंदर आ जाती हैं इनका जो सेल टैक्स है ये एफ का डोमेन है पूरे पाकिस्तान के अंदर ठीक है ठीक है अब जो सर्विसेज हैं वो एटीन अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबों के अंदर चली गई थी डिवॉल्व हो गई थी अब सर्विसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बैंक्स इंश्योरेंस पोर्ट्स कुरियर सर्विसेज रेस्टोरेंट कैफेज़ पार्लर सलून ट्रेवल टूर ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ ये आपकी सर्विसेज के अंदर आती हैं ठीक है थीके? ये एक फिजिकल चीज़ नहीं होती कोई भी एग्रीकल्चर वगैरह सभी सुबह के पास आता है अब ये सर्विसेज में जो सेल टैक्स है ना ये सब सुबह कलेक्ट करते हैं अब रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सारा इनका डोमेन जो है वो सुबह का है वो सुबह कलेक्ट करते हैं अब उसके अंदर भी हर सुबह से बताया हर सुबह की परसेंटेज अलग है वो अपने हिसाब से कलेक्ट कर रहा है तो ये बहुत खिचड़ी ए टी अमेडमेंट के बाद बनी हुई है इसी के ऊपर जो है वो अब फेडरल जो कम्बाइन जो है वो कोई टैक्स पॉलिसी बना नहीं पाता वो टैक्स पॉलिसी बनाता है वो उसमें सर्विसेज़ नहीं होती सर्विसेज वो उसके अंदर खाली इस्लाबाद की आती है क्योंकि एफ बी आर फेडल टेरीटरी है तो एडरल टेरट्री डील करता है तो इस्लाबाद के रेस्टोरेंट्स वगैरह एफ बी आर के अंदर आते हैं बाकी नहीं आते अब पिडी है वो तो पंजाब एविन्यू अथॉरिटी के अंदर आएगा तो वो फेडरल जो है वो उस पर इन्फोर्स नहीं कर सकता है कि आप ये पॉलिसी बनाएं आपको इतने इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है फेडरल के साथ और सूबे की मर्जी है वो करे या नहीं करे तो ये मसला बिल्कुल है कॉम्प्लिकेटेड टे स्ट्रक्चर हो गया है कि कौन सी चीजें सुबह डील कर रहे हैं कौन सी नहीं कर रहा है इसकी बड़ी अजीब सी मिसाल है अब रेस्टोरेंट सारे सुबह डील कर रहे हैं लेकिन बेकरीज एफ बी आई करता है पूरे पाकिस्तान में चाहे वो कराची में बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इसकी कोई तुक नहीं है भाई जब रेस्टोरेंट आपने सुबह के वाले कर दिए तो बेकरी आपने अपने पास क्यों रखी हुई है ठीक है अब बेकरीज के अंदर भी बहुत सारी ऐसे फॉर एग्जांपल पंजाब में खान हो गई ठीक है अब कराची के अंदर शीर वगैरह हो गई अब इनके रेस्टोरेंट भी हैं ठीक है इनकी बेकरी भी इनके रेस्टोरेंट भी हलवाई वगैरह अब अब रेस्टोरेंट जो है वो डील कर रहा है सुबह ठीक है अगर रमद शेरी रेस्टोरेंट की रसीद देगा सिंध के अंदर तो एसर बी पी ओस पर इंटीग्रेट होनी चाहिए ठीक है उस पर सुबह का सिलटेस लेगा तेरह परसेंट लेकिन अगर मैं उससे कोई बेकरी की चीज़ लूँगा मैं उससे मिठाई लेता हूँ तो वो डील करेगा एफ वो मुझे देगा एफ बर पी ओ एस की रसीद उस पर अठारह परसेंट सिलटैक्स चार्ज करेगा वो तो ये कॉम्प्लिकेशन है अब ये तो ये एफ बी आर बताया इन्होंने क्यों रखा है भाई ये बेकरी भी आप सूबे के वाले कर देते तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन हमारे टैक्स निजाम के अंदर जो है वो जो एटीन अमेडमेंट जो उन्होंने की थी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा ये कि हम ये क्या कर रहे हैं उसका क्या इंपेक्ट आएगा और ये टैक्स कहाँ से जमा होगा क्योंकि फेडरल तो हमारा जो बजट आता है उसके टैक्स के इतने मसले हो गए कि वो शुरू ही माइनस में करता है क्योंकि एन एफ सी अवार्ड के थ्रू बाकी सब कुछ जो फेडरल भी जमा करता है वो ऑटोमेटिक चला जाता है सुबह के पास ठीक है वो परसेंटेज के हिसाब से उसके बाद सुबह तो सुबह तो अमीर हो गया उसको पैसे अपने भी आ रहे हैं सर्विसेज के और वो एफ से भी उसका जो हिस्सा आ रहा है एन एफ अवार्ड के पास उसको खर्च करना है ठीक है ठीक है लेकिन फेडरल के पास नहीं है फेडरल के बाद तो सब जो जमा किया एफ बी उसमें से भी सुबह के पास चला गया और बाकी डेट सर्विसिंग के बाद तो वो शुरू ही माइनस से करता है तो हमारे यहाँ बड़े मसले हैं ये टैक्स की जब तक तो ये आप इसको स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे कोई टैक्स पॉलिसी हार वाली सारे सुबह की नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल है ये इसी तरह चलता रहेगा ये एक सेक्टर तो आप हाईलाइट करते रहते हैं ये आपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स की चेंज वगैरह का बताया मुझे कोई और सेक्टर ऐसा बताएं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लूप हॉल है और वहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है मगर वहाँ से हम टैक्स हमारी गवर्नमेंट टैक्स नहीं कलेक्ट करती बिल्कुल ये एक तो एक एक सेक्टर हो गया सर्विसेज का रेस्टोरेंट्स वगैरह का पार्लर्स का कैफ़ेज़ का ठीक है ठीक है दूसरा हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके साथ ही क्योंकि ये कहानी शुरू हुई थी एफ बी से जो सबसे पहले एफ बी लॉन्च हुआ था वो हुआ था शॉप को शॉप्स वगैरह के लिए जो आपका पूरा रिटेल का सेक्टर है होलसेल और, और पूरा होल सेल का सेक्टर है उसके लिए कि जो दुकान से आप जाकर शॉपिंग करते हैं ठीक है उस पर भी सिलटैक्स लगता है ठीक है उसकी कोई सेल रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है कहीं वो उसकी जो मर्जी आ रही है वो अपने सिलटैक्स रिटर्न के अंदर दिखाएगा या इनकम टेक्स रिटर्न के अंदर दिखाएगा ठीक है वो अगर दस करोड़ रुपये की सेल कर रहा है साल की और वो दिखा रहा है एक करोड़ रुपये की है तो कोई हमारे पास हमारे पास कोई मेकेजम ही नहीं है कि हम उसका जब कोई एफ ऑडिट करेगा तो करेगा वरना कोई तरीका नहीं है उसकी सेल चेक करने का तो एफ ने ये लॉन्च इसीलिए किया था एफ बी कि भाई ये दुकानें और जितना रिटेल का आपका सेगमेंट है पूरा होलसेल का सेगमेंट है ये आपके थ्रेश के अंदर है डॉकूमेंट टू इकानमी कि वो जितनी भी सेल करे वो डॉक्यूमेंट हो सके उसका मकसद ये था कि उसने रसीद आपकी इशू की और फॉरन वो एफ सिस्टम में चली गई आप एज अ कंज्यूमर उसको चेक कर सकते हैं कि यार ये हाँ या सिस्टम के अंदर आ रही है या ऑफिशियल हो चुकी है रसीद ये इसकी सेल टैक्स भी हाइड नहीं कर सकता और इसका इनकम टैक्स भी हाइड नहीं कर सकता अच्छा वो सिस्टम लोगों ने लगाया ही नहीं या एफ बी आर दे नहीं सका सबको या लोगों ने उसको पिक नहीं किया क्या हुआ है? अच्छा हुआ अच्छा ये ये कि ये शुरू हुआ था अगस्त दो हज़ार उन्नीस के अंदर ठीक है एफ बी आर ने मैडेट्री किया था अब उसका थ्रेशोल्ड था उसी तरह ठीक है एफ बी आर उसका थ्रेश ये था कि अगर आपकी कोई ब्रांच है ठीक है या आप किसी ए सी मॉल के अंदर अपडेट करें फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर लकी वन मॉल है ठीक है या इस्लाबाद में एम्पोरियम हो गया या फोटर्स हो गया लाहौर के अंदर ठीक है तो ये इस तरह की जो भी मॉल्स हैं उनके अंदर जितनी दुकान है उन सबको मैंडेटरी इट्टीग्रेट होना है एफ बी के ऊपर ठीक है अगर आपकी कोई भी ब्रांच है ठीक है ए सी मॉल के अंदर नहीं है लेकिन थीके। थीके। आपकी ब्रांच है तो भी आपको इंटीग्रेट होना है अगर आपका साल का बिजली का बिल बारह लाख से या उससे ऊपर है तो भी आपको इंटीग्रेट होना है ठीक है अगर आप जो है वरना बाद में कंडीशन और भी ऐड की कि अगर आप कार्ड पेमेंट फैसिलिटी देते हैं तो भी आपको इंटीग्रेट होना लाजमी है ठीक है ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया थे उसके ठीक है आपको ये इंटीग्रेशन लाजमी थी एफ बी की उसका मकसद ही सिर्फ यही था कि ये इनको डॉक्यूमेंट करके सेल हाँ। का टारगेट नहीं था कुछ नहीं और आज की डेट तक भी नहीं है और अच्छा। इसमें एक और कंडीशन भी बहुत अच्छी थी कि अगर आपकी दुकान का साइज़ जो है वो हज़ार स्क्वायर फिट ठीक है उससे ज़्यादा था तो भी आपको मैंडेटरी इंटीग होना था और ये कंडीशन सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती कैसी अजीब बात नहीं है अगर एक दुकान है उसका हज़ार गज से ज़्यादा है मगर उस बेचारे की सेल ही डेढ़ दो लाख है और एक दुकान छोटे से साइज़ की है और उसकी सेल तीन चार लाख है अजीब सी बात तो अब आगे सुना क्या हुआ है ठीक है ये क्राइटेरिया जब उन्होंने स्टार्ट किया था ठीक है और इसमें क्राइटेरिया ये था कि इसमें अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी हो रही होगी ना तो आपको इंटीग्रेट होना है ऐसा नहीं है कि अच्छा। आपको सारी कंडीशन पूरी होंगी तो आपको इंटीग्रेट होंगे ये इसी तरह रेवनी अथॉरिटीज़ का नीचे भी सुबह के अंदर भी है कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी हो रही होती है आपकी तो आपको इंटीग्रेट होना होता है तो हुआ ये कि कुछ रिजल्ट इसके आए थेपुर ठीक है डॉक्यूमेंट होना शुरू हुआ सुपर स्टोर्स वगैरह की चेंज डॉक्यूमेंट होनी शुरू हुई जैसे आप देखते हैं कराची में इम्तियाज़ हो गया कैरेफोर हो गया मेट्रो हो गया ठीक है हाँ मेट्रोकेशन कैरी वगैरह हो गया इस तरह पंजाब कैशन कैरी हो गया पंजाब के अंदर तो उनके रिज़र्ट आने शुरू हुए सब कुछ ठीक है तो इस तरह काम शुरू हुआ बेहतरी शुरू हुई ठीक है कपड़ों की चेंज वगैरह सब कुछ जितनी आप देखते हैं बड़ों के बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी शॉप्स पर आपको इंटीग्रेटेड इंटरटर्सीदें मिलनी शुरू हुई ठीक है तो ये काम शुरू हुआ लेकिन जिस तरह से उसकी अडॉप्शन होनी चाहिए थी नहीं कि एफ ने ना एफ बी करने में इंटरेस्टेड था ना लो लगाने में इंटरेस्टेड थे क्योंकि सिर्फ उसका सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही पॉजिबल रीज़न है कि मुझे अपनी सेल नहीं दिखानी ठीक है मैं इंटीरियर हो जाऊँगा तो मैं अपनी सेल छुपा नहीं पाऊंगा अच्छा एक तो मसला ये हुआ अच्छा उसके बाद एक काम उन्होंने ऐसा अजीबी गरीब किया एक तो पहले ये इनफोर्स ही नहीं कर रहे थे ये रूल अच्छा इन्फोर्स ही नहीं कर रहे थे उस पर उन्होंने डार साहब जो आए ये पी डी एम के जो दौर शुरू हुआ डार साहब ने उसके अंदर दो हज़ार तेईस के बजट में ये जो स्क्वायर फीट की कंडीशन थी ये बहुत खली थी इन लोगों को कि इस पर बहुत सारे लोग आ रहे थे पूरे हो रहे थे जिस जिस जिसपे इंडिकेशन लाजमी हो जाती थी ठीक है तो उस पर कंप्लेंस होती थी कंप्लेन्स करते थे हम तो उनमें फ़ाइन लगते थे उनको इंडिकेट करना पड़ता था लाजमी उन्होंने वो कंडीशन ख़त्म कर दी दोगाए अच्छा हाँ कि ये कंडीशन ही नहीं है आपको इस कोई कोई स्क्वायर फीट एरिया कंडीशन ही खत्म कर दी उन्होंने सही सही, कि सही भाई ये किस्सा ही खत्म होता है ठीक है बारह लाख का बिल तो वो मसला नहीं है कोई भी मैनेज करना उसको कि कनेक्शन किसी और के नाम पे ले लेंगे कहीं और से ले लेंगे बिजली का या अपने लेंगे नहीं ठीक है इस तरह या उसको अंडर रिपोर्ट करेंगे वो एक मैनेज करना ठीक है रह गया बाकी कंडीशन जिसके ऊपर आ रहे थे ये सब वो सारी बिजनेसेस उन्होंने वो कंडीशन ख़त्म कर दी उनसे कोई इसकी लॉजिक पूछ ले कि भाई ये कंडीशन तो जो है आप होता ही है जैसे फॉर एक्जाम्पल मैं बड़ी मिसाल देता हूँ आजकल अगर किसी को भी रियल टाइम पॉइंटिंग सिस्टम्स का मैकेनिज्म समझना है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है ना तो सऊदी अरब को देखे वो ठीक है उनकी जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उन्होंने सिस्टम लॉन्च किया है, फतूरा के नाम से बिल्कुल एग्जैक्टली एफ बी आर पी एस सी सिस्टम है वो ठीक है वो किस तरीके से उसको उन्होंने लॉन्च किया है उसका उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है बिल्कुल और वो किस तेज़ी से इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं उसको उन्होंने वो फाइव बिलियन के रेवेन्यू से स्टार्ट किया था ठीक है कि जिनका साल का फाइव बिलियन का रेवेन्यू हो और वो किस तेज़ी से उसको नीचे लेकर आए हैं कि वो तीन मिलियन तक आ चुका है तीन मिलियन सऊदी रियाल के पर साल के रेवेन्यू के ऊपर और वो चौदह हज़ार से ज्यादा इंटीग्रेशन कर चुके हैं एक साल एक साल के अंदर ठीक है उनका नंबर है ये ठीक है और वो किस स्पीड से कर रहे हैं यही चीज़ हमें आप यहाँ रेप्लीकेट करनी थी हम बोल, बोल और हमने कितना है, है यहाँ पे एफ का जो नंबर है टोटल वो बहुत कुछ चंद हजारों के अंदर है चार या पांच हजार टोटल है अभी तक ठीक है सारे रेस्टोरेंट्स सब शॉप्स वगैरह सब, सब कुछ वगैरह सब कुछ बिचरीज बिल्कुल ये अगस्त 2019 से लेके आज तक ठीक है पांच साल हो गए और आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं जाके ये उनकी वेबसाइट पे नंबर मौजूद हैं इसके ऊपर और सिंध कितना किया सिंध ने अभी तक जो सिंध ने जो सर्विसेज के अंदर किया है वो लास्ट जो पब्लिश किया था उन्होंने वो साढ़े चार सौ पौने पांच सौ के बीच में कुछ नंबर था उनका ओके ठीक है रेस्टोरेंट्स का तो ये बजाय ये कि उसको वो और सख्त करते क्राइटेरिया को और मज़ीद इन्फोर्स करते उसको और मजीद छूट दे मजीद रिलेक्स कर दिया कि अच्छा है आपको छूट दे दें इसके ऊपर बहुत बात होती है कि भाई हर दफ़ा ये होता है कि बहुत शोर शराबा होता है प्रेशर आता है आई का तो यार कि फिक्स टैक्स की स्कीम लगा दो मुफ्तसमाइन ने कोशिश की जैसे शब्बदी साहब लेकर आए थे कि भाई एन की शर्त लगाते हैं पूरे सब लोगों ने हड़ताल कर दी कि हम ऐसी तैसी कर देंगे ऊपर की शॉपिंग पे शर्त हालाँकि उसके अंदर मसला होना चाहिए था एज ए कंज्यूमर मुझे मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ मेरा एनआईसी लेके वो लेकर वो रिपोर्ट करना है कि मैंने शॉपिंग की है पचास हज़ार से ऊपर की मुझे मसला होना चाहिए था मसला लेकिन हो रहा था अथॉरिटीज़ को कि जो है वो शॉप शॉप्स को बिजनेस को कि यार हम तो नहीं करेंगे क्यों क्योंकि वो उसको सेल रिपोर्ट करनी पड़ जाएगी अपनी कि यार मैं इतनी सेल कर रहा हूँ ठीक है मसला उसका ये था उन्होंने वो सिस्टम नहीं होने दिया लॉन्च ठीक है फिर यफ बी आर आया ठीक है इसको भी उन्होंने हती इम्कान कोशिश की है फेल करने की और अथॉरिटीज़ ने मिल के मैं शुरू दिन से कहता हूँ कि ये अथॉरिटीज़ उसको इम्प्लीमेंट करने में सीरियस नहीं है ठीक है उसकी मिसाल आपको देता हूँ क्यों हम एक तो पहली बात है कि उनका काम है उनको करने चाहिए उनके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के बीस हज़ार से ऊपर कहते हैं एज़ पर रिपोर्टेड जो शब्बल अदीब भी रिपोर्ट करते हैं फिगर है, कि बीस पच्चीस हज़ार के बीच में एफ बी आर के इम्प्लॉज़ हैं ठीक है उसमें कई सैकड़ों तो होंगी जिनका काम सिर्फ ये होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर कि फील्ड में जाकर उन्होंने ये चीज़ें करनी है और इंश्योर करनी है ठीक है अब उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए उनको यूज़र बता रहे हैं कंप्लेन करके यार कि ये सुपर स्टोर है ये रजिस्टर ही नहीं है ये रेस्टोरेंट है ये शॉप है रजिस्टर ही नहीं है कि ये रसीदीद है या रसीदीद दे ही नहीं रहा है या कच्ची मैनुअल रसीद दे रहा है यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है और बायपास करके कच्ची रसीद दे रहे हैं मजीद फ्रॉड कर रहा है आपके साथ ठीक है उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे रिप्लाईस कर रहे होते हैं पोर्टल के ऊपर मैं 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 मिसाल देता हूँ कराची के अंदर बहुत मशहूर बेकरी है ब्लू रिबन बेकरी ठीक है हमने उनकी कंप्लेन की यार कि ये हमें कच्ची रसीद दे रहे हैं पेपर के ऊपर कागज़ पे हाथ से लिखे के बॉल पेन से ठीक है वो भी मांगने के ऊपर ठीक है वरना वो भी नहीं देते कि यार ये इसको तो इंटीग्रेट होना चाहिए एफ बी आर पी एस से एफ बी आर ने रिप्लाई किया कि नहीं ये तो हमारे थ्रेश के अंदर ही नहीं आता है एफ बी आर पी एस के इसको रजिस्टर होना ही नहीं है सिलटेक्स के ऊपर ठीक है अन्य बोला ठीक है आप ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ ठीक है आप सिर्फ गूगल के उस वक्त हमने कंप्लेन की थी हमने आप, आप सिर्फ गूगल पर डालें ठीक है ब्लूदेबन बेकरी सात ब्रांचेज आ जाएंगी आपके पास सारे एड्रेस समेत ठीक है अगर ठीक आप बोल रहे हैं कि इसको रजिस्टर ही नहीं होना आपका क्राइटेरिया है अभी ब्रांच अगर आए तो एफ बर पी एस पर एक से ज़्यादा ब्रांच है तो रजिस्टर बिल्कुल बिल्कुल आपने कैसे रिप्लाई किया कि इसको रजिस्टर नहीं होना है हमने दोबारा हमने दोबारा कंप्लेंट डाली फिर हम बोला हाँ सॉरी सॉरी गलती हो गई आप सही कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट होना हमने उसको नोटिस भेज दिया मैंडेटरी इंट्रेसन के लिए इस पूरी खत वीरियड के पीरियड के अंदर हमने कंप्लेंट डाली वो उनके पास गई वो फलाने ऑफिसर के पास गई वो पहुंचते पहुंचते था तो उसके उसका पहुंची उसने रिप्लाई किया फिर हमने दोबारा उस कंप्लेंट डाली इस टेन्योर को सवा साल हो गया तो सवा साल निकल चुका है वो और वो रजिस्टर नहीं हुआ तो ये रेवेन्यू अथॉरिटी से अब होती है अब अगर वो हो भी जाए तो वो सवा साल जो टैक्स देना था वो तो गया बिल्कुल वो गया कोई फाइन लगेगा कुछ बेसिल लगना चाहिए लेकिन वो कैसे लगाएंगे जो अथॉरिटी ये रिप्लाई कर रही है वो ये चेक करने की जहमत नहीं हाँ। कर रही है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वाकई में जो ड्यू टैक्स होगा वो लेगी तो ये तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि देखें आपके ऑफिसर मुलविस हैं इस चीज़ के अंदर जब तक आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे कि यार ये तुम्हारा एरिया था तुम छः महीने साल से इस एरिया के अंदर डिप्यूट हो ये तुम्हारा काम था भाई कि यहाँ इस एरिया में कोई बिजनेस जो लाइबल हो वो रजिस्ट्रेशन और इंटिग्रेशन से ना रह जाए तुमने अभी तक नहीं किया तो वो कैसे वो आपकी कंप्लेन्ट्स पर एकशन लेने को इतना मुश्किल से राजी हो रहा है तो वो कैसे काम करेगा ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस पाकिस्तान कराची से लेके पिछावर तक यही कर रही हैं और आपको इस तरह के बेशुमार रिप्लाइज मिलेंगे ठीक है अच्छा जुबैर भाई अब जरा हट के बात करते हैं मुझे एक बात बताएं मैं एक दुकानदार हूँ ठीक है मैं टैक्स क्यों दूँ तेरह परसेंट टैक्स क्यों दूँ मुझे उसके बदले में हुकूमत क्या देती है बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल होता है लोगों का यार कि हम सब कुछ तो प्राइवेट ही कर रहे हैं हमारी स्कूलिंग प्राइवेट है हमारा इलाज प्राइवेट है हमारी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट है सब कुछ प्राइवेट है मैं टैक्स दूँ ही क्यों भाई आपको ठीक है और दूसरा सवाल लोगों को ये भी होता है कि यार आप ये काम क्यों कर रहे हैं बल्कि आपको दे फरू चाहिए कि टैक्स चोरी किस तरह करना है ठीक है वो बताएँ आप लोगों को ये कि ये सरकार को टैक्स नहीं देना है मैं उनको देखें दो चीज़ना समझाता हूँ ये बहाना काफ़ी हद तक उनका उनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है ठीक है आप पहले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एक पैसे मेरे पास होंगे ठीक है पैसे जमा हो जाएंगे फिर ये इसका पैसे का जो खर्च है ना वो सही तरीके से नहीं हो रहा ये दो चीज़ें पहले पैसे जमा करना और फिर उसके खर्च पर सवाल करना कि यार खर्च सही तरीके से नहीं हो रहा खर्च इस तरीके से होना चाहिए आप पैसे दे ही नहीं रहे हैं और खर्च करने पर सवाल कर रहे हैं ठीक है जो गवर्नमेंट लोन वगैरह ले, ले लेती है फिर भी वो पैसे जमा कर ही लेती है आप चाहें ना चाहें उसके अंदर मैं लोगों को मिसाल ये इस तरीके समझाता था देखें ये जो लोग टैक्स नहीं जिनको नहीं देना है ना उनका सिर्फ बहाना ही है ये ठीक है उनको चोरी ही करना है उसकी मिसाल थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जब हेल्थ इंश्योरेंस भी लोगों को देनी शुरू कर दी उन्होंने ठीक है कि आपका इलाज तक हुकूमत कराएगी हर चीज़ ठीक है मतलब पाकिस्तान की तारीफ़ में कभी हुआ नहीं था आज तक ठीक है उसके बाद भी कोई खातिर खुआ फ़र्क नहीं पड़ा टैक्स कलेक्शन के अंदर जो वॉलंटियर लोगों ने क्यों है यार कि फॉर एग्जाम्पल आपने खुद आपने खुद इम्पैक्ट देखा हुआ है यार कि साल के दो मिलियन रिटर्न थे इस साल दो ही इस साल ये पाँच मिलियन हो गए लोगों ने बोला कि नहीं यार ये इतना काम गवर्नमेंट कर रही है मेरी तक का ख्याल रख रही है और अपने सामने हो रहा है तो यार मुझे टैक्स देना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो इस तरह की सब चीज़ें एफ बी वगैरह सब कुछ लाना पड़ा फिर भी लोगों ने हद तो हद्मान कोशिश आज की डेट तक कर रहे हैं अवॉइड करने की तो ये चीज़ तो समझ लें कि जिसने टैक्स नहीं देना ना उसने सिर्फ बहाना करना है उसने टैक्स देना ही नहीं आप उसको कुछ भी दे दें उसने टैक्स चोरी करना है एफ का आर विसल ब्लोअर का एक्ट भी है अच्छा ये भी बड़ा मजाक है ठीक है ना एफ बी आर का फिसल ब्लोर का एक्ट है कि कोई इस तरह की कोई चीज़ करता है तो उसमें कोई फ़ाइन या कोई पेनल्टी लगती है या तो उसका बीस परसेंट जो है वो उस बंदे को दिया जाएगा वो सिर्फ एफ बी आर के एम्प्लॉज़ के लिए रखा हुआ है उन्होंने कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा भाई कि ये तो आपकी जे डी है सिर्फ आपका तो काम ही है ये आपने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए क्यों रखा भाई और आप इंडिविजुअल को इन्हें मांगा भी आप आप उसको कह रहे हो कि नहीं आप पहले जाके रजिस्टर होंगे एफ बी आर के साथ कि मैं एज अ विसल ब्लोअर रजिस्टर होना चाहता हूँ ठीक है फिर आप जाके कंप्लेन करेंगे फिर हम आपको सोचेंगे कि भाई कम्प्लेन हमारे पास पहले से नहीं आई हुई थी इस पर हमने आपकी कम्प्लेन के ऊपर ही कार्रवाई शुरू की है तो हम इन पैसों में से ला के आपको ये शेयर देंगे तो आप ये समझें जो दुकानदार और रेस्टोरेंट टैक्स चोरी कर रहा है वो टैक्स वो चोरी करके आपको जमा नहीं करा रहा है हुकूमत पास पैसे नहीं होंगे वो आप पे लगाएगी तो आपको लग रहा है कि आप पे टैक्स जुबैर भाई होगा नहीं है कि मतलब सैलरीड क्लास पे जो टैक्स का जो स्लैब है वो पचास हजार तक आ गया है ठीक है और जो हमारी ये जो होलसेल रिटेलर्स वगैरह हैं ये लाखों में सेल करते हैं बिल्कुल कुछ करोड़ों है, में करते हैं बिल्कुल ऐसी है और कोई टैक्स नहीं देते आप जुड़े बाजार चले हैं आपको आज भी कच्ची कच्ची रसीदों के ऊपर जो है हाथ से बॉल पेन से पेंस उस पर पे, उस पर काम करते हुए मिलेंगे आपको ठीक है इसीलिए आप गुल प्लाजा चले जाए कभी एफ कोशिश करता है जाने की एफ बी इंप्लीमेंट करने की वहाँ दंगे हो जाते हैं ठीक है वो पथराव शुरू हो जाता है एफ की टीमों के ऊपर और पुलिस के ऊपर तो ये हमारे हाल है उनको इंटीग्रेट होना ही नहीं है मसला वही है लाखों टैक्स पेयर हैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड वो टैक्स जमा कराते ही नहीं है या कराते हैं तो उनका रिटर्न ऐसा होता है कि उनके पास तो खाना खाने के पैसे नहीं है दिन के ठीक है इस तरह के रिटर्न है ना उस पर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ कुछ कर रही हैं उनको आसान टारगेट मिलता है कि इन टैक्स बढ़ा दो सेल टैक्स का परसेंटेज बढ़ा दो पेट्रोल की लेवी बढ़ा दो ठीक है सेलिटी का टैक्स बढ़ा दो उनका स्लैब कम कर दो बस ये करते रहो जो जो उनका रियल काम है ना और अभी भी बहुत प्रेशर आने के बाद भी अगर कोई काम करना है रिटेलर्स के ऊपर तो फिक्स टैक्स की स्कीम लगा दो फ़िक्स टैक्स लगा दो चाहे आप उनका बिजली के बिल से लिंक कर दो उसको कि भाई अगर आपका बिजली का बिल इतना है तो आपको महीने के तीन हज़ार पाँच हज़ार रुपये देने हैं सेल टैक्स के बस आपकी छूट है उसके बाद भाई ये किस किस्म का सिस्टम है आप आपकी हाईवी अथॉरिटी क्या कर रही है फिर ज़ुबैर भाई एक चीज़ और मुझे समझाएं अगर मैं दुकानदार हूँ ठीक है मैंने तेरह परसेंट टैक्स लेना है जो कि मैं कस्टमर से लेके हुकूमत को पे करना है जो कि मैं नहीं कर रहा ठीक है और अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं अपने जो मेरा कस्टमर है उसको तो मैं रिलीफ दे रहा हूँ ना या नहीं दे रहा अच्छा ये भी बड़ा बेस्ट कन्सेशन हो मेरी सेल बढ़ेगी कस्टमर हाँ। इसकी वजह से मैंने प्राइस को जो है वो नीचे रखा हुआ है यही अगर मैं तेरह परसेंट ऐड कर दूंगा तो जाहिर सी बात है जो वो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस तो इंक्रीज़ होगी ना कस्टमर फिर मेरे पास नहीं आएगा देखें होता ही है हमने यही लोगों को लोगों को लगता ही है कि यार ये बड़ा ड्रैकूनियन मेजर है सेल टैक्स का और है भी ठीक है इंडायरेक्ट टैक्सेशन कहलाती है ये जो कि कम से कम होनी चाहिए इसकी परसेंटेज देखिए ओवरऑल टैक्स पॉलिसी का तो मकसद ही होना चाहिए कि आपके इंडायरेक्ट टैक्स कम हो और डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स है ठीक है ठीक है आप भले से दुकानदार के ऊपर परसेंटेज जीरो कर दें हमने तो ये बोला आप भले से सेटेंटेज अठारह करेंट अठारह परसेंटेज एफ बी आर की जो अंदर अंडर आती हैं गुड्स वगैरह उन पर अठारह परसेंट लगता है चीज़ों के ऊपर कुछ पे कम भी है लेकिन मोस्टली अठारह परसेंट सेल्टज चार्ज करना होता है उनको आप ना करें उसको आप दस परसेंट पर लें आप पाँच परसेंट पर लें इसको ठीक है लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंट तो करें अभी वो जितनी सेल कर रहा है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं हो रही है अगर वो महीने की दस लाख रुपये की सेल कर रहा है और वो दिखा रहा है पचास हज़ार रुपये की सेल की है मैंने महीने की और उस हिसाब तो से अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा रहा है तो वो इनकम टैक्स भी नहीं दे रहा वो सेल टैक्स तो बहुत दूर की बात है ये इशू असल इशू ये है जिसको लोग ओवरलोक करते हैं कि भाई सेल टैक्स जमा करना और सेल की परसेंटेज बढ़ाना ये हमारा मकसद नहीं है मकसद आपका सिर्फ ये होना चाहिए कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करनी है आपने और वो करनी है भले से आप की परसेंटेज जीरो कर दें ठीक है आप उसको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट दे दें कि वो जितना पीछे से ले रहा है सिर्फ डॉक्यूमेंट कर लें बीच को होता ये है कि वो उसकी सेल डॉक्यूमेंट ही नहीं है वो पता ही नहीं चल पा रहा आपको यार कि कितनी सेल कर रहा है इस पर हमें इनकम टैक्स कितना चार्ज करना है मसला असल में यहाँ पर आ रहा है लोगों का ये अब ये आप कह सकते हैं किसी हद तक कि भाई कुछ लोगों को कोई रिलीफ देता भी होगा कि भाई टैक्स की मुझे मैं टैक्स की परसेंटेज अपनी जेब से दूंगा नहीं मैं पब्लिक से लूँगा लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे अगर ये सही तरह से मेलमेंट हो जाएगी चीज़ जो कि लॉन्ग रन के अंदर ये अगर कोई वाकई में अथॉरिटी सीरियस हो जाए तो टैक्स की परसेंटेज इवेंचुअली कम ही होंगी वो अगर अभी आपको ज़्यादा लग रही है तो वो कम ही होनी है क्योंकि इनकम टैक्स जमा करना है आपको सेल टैक्स जमा करना आपका मकसद होना ही नहीं चाहिए हमारे व्यूवर्स को बल्कि समझाएं कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं से भी कोई सर्विस लेते हैं और उनको वो चेक करना है कि जो मुझसे सेल टैक्स लिया गया है वो क्या वाकई गवर्नमेंट के पास गया है या वो उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जेब में चला गया तो वो कैसे चेक कर सकता है एक रसीद आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उस रसीद के ऊपर जो है ना वो एन एन नंबर होना चाहिए लाजमी ठीक है एन टी एन नंबर जाके आप एफ बी आर की वेबसाइट पर एन टन नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कच्ची रसीद है कच्ची रसीद है कुछ भी नहीं है उस पर कोई टैक्स का पर्डूलर ही नहीं है ठीक है एन टी एन नंबर आज से आप जाके उसकी इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन जाके चेक कर सकते हैं एफ बी आर के ऊपर ठीक है अब आती है सेल टैक्स की बात ठीक है ये तो हो गया इनकम टैक्स क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इनकम टैक्स डी करता है एफ बी आर चाहे वो खाने पीने की चीज हो चाहे वो पहनने ओढ़ने की कोई भी चीज़ हो तो ये वो सारा एफ बी आर का डोमेन है ये आपने चेक कर लिया एन टी एन नंबर से उसका इनकम टैक्स एफ बी आर की वेबसाइट पर अब सेल टैक्स की बात आती है तो जो चीज़ें सेल टैक्स के एफ बी आर के अंडर है ना तो उसका सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी एफ की वेबसाइट पर चेक होगा उसी एन के नीचे एफ बी आप जाकर चेक करेंगे एफ की वेबसाइट पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आपने जाकर वो टी एन नंबर डालना है खाली उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी ठीक है उसके अंदर वहाँ पे मेंशन होगा कि ये सेल टैक्स पर रजिस्टर है कि नहीं है अगर वो एफबीआर का डोमेन है ठीक है अगर आप सुबह के अंदर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल हम सिंध की बात कर लेते हैं होटल में हाँ कराची में रेस्टोरेंट में आप गए ठीक है उस रेस्टोरेंट की रसीद के ऊपर कोई एन नाम की कोई चीज़ नहीं है कराची में उसको सिंध में बोलते हैं एस के अंदर ठीक है एस के नाम से उस पर ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं है इसका मतलब वो जाली रसीद है ठीक है वो नॉन कम्प्लैंट रसीद है रसीद है अगर उस पर एस एन टी एन नंबर लिखा है तो आपने कहाँ से जाके चेक करना है वो आप सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट पर लिखेंगे ठीक है वहाँ जाके चेक कर सकते हैं वरना आप गूगल पर खाली ये लिखें एस आई एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वो आपको उस लिंक के ऊपर ले जाएगा सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर जाकर आपने वो एस एन टी एन नंबर डालना है उसके बाद आपके पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये कब से रजिस्टर्ड है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास और इसकी कितनी ब्रांचेज हैं ठीक है वो सारी आ रही होती हैं उसके अंडर फॉर एक्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कबाब जीज़ है कबाब जी इसका आप एन नंबर डालेंगे ना तो उसके अंदर जितनी ब्रांचेज हैं उनकी उन सब का एड्रेस आ रहा होगा वहाँ रजिस्टर्ड उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि एक्टिव है या नॉन एक्टिव है एक्टिव और नॉन एक्टिव का या ब्लैक लिस्ट है ब्लैक लिस्ट का मतलब ये तो ये है कि उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है इसको ठीक है ये आपसे सेल टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकता ठीक है नॉन एक्टिव और एक्टिव में ये फर्क होता है कि इनके सेल टैक्स रिटर्न जो फाइल होते हैं वो होते हैं मंथली ठीक है इनको मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करके जमा कराना होता है उसकी डेडलाइन होती है अगले महीने तक कि पंद्रह या बीस तारीख तक जमा कराना होता है अगर वो उसने नहीं किया तो वो सस्पेंड हो जाता है तो वो नॉन एक्टिव दिखा रहा होता है आपको तो एक्टिव और नॉन एक्टिव में ये फ़र्क होता है इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं अगर नॉन एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि उसने डिले कर दिया है मगर वो ले सकता है टैक्स हाँ ले सकता है लेकिन अगर वो नॉन एक्टिव है काफ़ी अरसे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीच बीच में ना ये पंजाब रेल अथॉरिटी तो वगैरह दिखाते थे, थे कि ये कितने महीने से नॉन एक्टिव है तो वो नॉन एक्टिव भी जो है वो बेसिकली रेड लाइन रेड फ्लैग तो है आपका कि भाई हम उससे ले रहे हैं तो टाइम पे पैसे जमा क्यों नहीं करा रहा है क्योंकि उसको विद इन द टाइम उसको पैसे भी जमा कराने हैं वो उसको रिटर्न भी जमा कराना है तो ये भी रेड फ्लैग होता है कि भाई आपसे डिमांड कर देते हैं भाई कि आप मुझसे जब तक तो ये नॉन एक्टिव है मैं आपको सिलेंडर के पैसे नहीं दूंगा ये हमारे व्यवर्स में से किसी को नॉन कम्प्लैंड अगर रसीद मिलती है तो वो उसकी कंप्लेन कैसे करेगा अच्छा बहुत तो उसका आसानदार तरीका है अब तो आप हर रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट पर वे जाकर कम्प्लेन कर सकते हैं एक तो आसान तरीका ये है कि वो आपको भेज दे हाँ कि हमारी भी एक मतलब एक लिमिट है सिटीज़न पोर्टल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है ठीक है आपने कुछ भी नहीं करना आपने नॉन कम्प्लाइन रसीद लेनी है सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जाना है वहाँ पे आपने एफ का टैब बना हुआ है ठीक है उसके अंदर जाना है आपने वहाँ पे आपने सिलटेक सेलेक्ट करना है वहाँ पे आपने जाकर रसीद अटैच करनी है वहाँ पे डिटेल लिखनी है आपने शेयर सेलेक्ट करके कि भाई ये डिटेल है इसकी ये मसला है इसके अंदर या पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये रसीद सही है कि नहीं है ठीक है वो अपने वहाँ पे चीज़ें डाल के अपनी आइडेंटिटी हाइड करने का आपका ऑप्शन भी है कि अगर आपको डर लग रहा है भाई कि मुझे ये रिपोर्ट नहीं करना अपने आप को तो वहाँ हाइड आइडेंटिटी के नाम से एक चेक है उसको आप चेक लगाएं आपकी डिटेल उनके पास नहीं जाएगी ठीक है ठीक है सिर्फ कम्प्लेन जाएगी उनके पास आप वो कम्प्लेन वहाँ डालें ठीक है आपको रिप्लाई आता है एफ़ बी आर जिस रेवेन्यू अथॉरिटी से परटेन करती है उसको नीचे भेज देता है अगर वो एस आर बी से है तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भेज देगा पंजाब से तो पी आर ओ को भेज देगा ये बड़ा सिंपल सा इसका वो ए, तरीका है हम अकेले इस नंबर को जो है पच्चीस सौ से ज़्यादा कंप्लेन कर चुके हैं जिसका हासिल रसूल ये है कि पाँच सौ सत्तर के करीब जो है वो टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं अभी तक ठीक है लेकिन हमारी भी जैसे कि हमने बोला कि हमारी भी एक लिमिट है हम करते हैं और हम करते रहेंगे उसको लेकिन ये कि जितने ज़्यादा लेवल के ऊपर जितना लोग जमा कर सकते हैं उसको और ज़्यादा कर सकते हैं ये चीज़ बड़ी होती रहेगी ठीक है अच्छा सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर करनी है तब भी यही तरीका होगा बिल्कुल ये तरीका है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की अपनी एप्लीकेशन भी है आप उस भी लगाई कर सकते हैं लेकिन उसमें हमने जो कंप्लेन की है मैं आज तक अल्लाह का शुक्र है उसका रिप्लाई कोई भी नहीं आया ठीक अच्छा। है वो आज तक पेंडिंग है उसके अंदर लेकिन इसलिए मैं सिटीजन पोर्टल यूज करता हूँ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जाती है उनके पास तो वो वेटेज कैरी करती है और रिप्लाई करना उनको लाजमी होता है क्योंकि उसको क्लोज़ करनी होती है उसका पीरियड एमडेटी है तीस से साठ दिन के अंदर उसको उन्होंने क्लोज़ करना होता है यार जुबैर भाई वैसे ये मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हो रही है कि मतलब सिटीज़न पोर्टल जो बना था आ, मेरा ख्याल पी टी के दौर में 2019 हज़ार उन्नीस में दो में और वो मतलब अब तक काम कर रहा है और बड़ा इफेक्टिव है मतलब ये जो आपने जितने ये रिज़ल्ट हासिल किए हैं बिल्कुल उसी पोर्टल से किए सारी कम्प्लेंट सारी कम्प्लेंट पच्चीस से ऊपर ज़्यादा कम्प्लेंट कर चुके हैं ये नंबर पच्चीस के करीब आए थे ठीक है सारी कम्प्लेंट हमने वहीं की है और ये इसके अलावा भी किए मतलब इसके अलावा भी हम बिजली वगैरह की बाकी चीज़ भी कम्प्लेन किए हैं लेकिन मोस्टली इसी की किए हैं और इस पर अथॉरिटीज रिप्लाई करती हैं लास्ट में ये बताएं कि आप ये काम क्यों करते हैं मतलब आपको इससे फ़ायदा क्या होता है और दूसरी बात यह है कि फ़जूल में आप बड़े बड़े लोगों से जो है वो पंगे ले रहे हैं खाम ख़ाम में कुछ तो क्यों करते हैं आपको क्या फ़ायदा होता है बिल्कुल ये काम की शुरुआत देखें 2020 से हमने इसे शुरू की थी फॉर एग्जांपल अब पीटीआई गवर्नमेंट से शुरू की थी अब उन्होंने यह काम शुरू किया था यार कि बाकी इस मुल्क का टैक्स सिस्टम ठीक करना है हमें भी उम्मीद थी यार कि शायद कोई बेहतर गवर्नमेंट आई है कुछ बेहतर काम करेगी तो मतलब पैसे जमा होंगे तो कुछ काम करेगी ना फिर जैसे उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी दिए तो सरकार के पास पैसे होंगे तो वो इस तरह की चीज़ें कर सकती है तो इस चक्कर में ये चीज़ शुरू हुई थी कि यार नहीं ये चीज़ सही करनी है और जिस तरीके हमारे खिलाफ जो चोरी हो रही है और जो सेलिड क्लास और जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेक्टेड है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस, इंडस्ट्रियल सेक्टर है अब तीस परसेंट आपने उस पर ऑलरेडी टैक्स लगाया हुआ है आप उसको निचोड़े जा रहे हैं सुपर टैक्स भी उस पर लगाए जा रहे हैं हर चीज़ तो नहीं यार इसको बैलेंस करना है ऐसा नहीं जो टैक्स नेट के अंदर ही नहीं उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आना है ये दो मोटिवेशन थी इस काम को शुरू करने की और इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे मसले मसल आते रहते हैं आप जो है ना आप हमारी कंपनी दोबारा मत डालिएगा रिश्वत की हुई? रिश्वत की ऑफरें भी हुई हैं इसके अंदर ठीक है अच्छा उसमें यह होता है कि अच्छा वो इस तरह पता लगा कि अब खैर नाम नहीं ले रहा ऑफ द जाएगा चीज़ कि ना उन्होंने ये बोला कि उनको पता लगा यार कि उनका एक ब्यूचल फ्रेंड है जो कि हमारा भी फ्रेंड है कि हमने उनकी उनकी कम्प्लेन डाली थी यार कि आप उनको बोलना चाहिए था कोई तरीका थोड़ी है डायरेक्ट कम्प्लेन कर दी बंदा बात कर लेता है कोई डील कर लेता है जो भी है हमने बोला यही नहीं करनी आप आज तक जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी से भी डील करते ही आए हैं इसी चक्कर में आपसे बात नहीं करनी थी और ये कंप्लेंट डाली गई और पब्लिक फोरम पर डाली गई इस तरह पे डाल के पब्लिक भी किया गया उसको ताकि आप ये चाह के भी ना डील नहीं कर सके उनसे तो ये वो बहुत पुरानी होता पंजाब की बेकरी थी ये जो वो टैक्स जमा कर रहे थे और वो ब्लैक लिस्ट थे एफ के अंदर वो सिल्टेज जमा ही नहीं कर सकते थे वो जमा भी कर देते और वो जेब में डाल लेते अपनी वो सालों से ब्लैक लिस्ट थे लोगों ने फोन नंबर्स निकाल लिए कॉन्टैक्ट किया उन्होंने कि यार आप ये काम ना करें हमारी कंपनी में डालिएगा लोगों ने म्यूचुअल फ्रेंड से भी मैसेज भिजवाया कि यार इसको बोलो अल्लाह के वास्ते हमारी कंपनी बता डालिए ठीक है बहुत कराची का मशहूर रेस्टोरेंट है जिसके हमने काफ़ी कंप्लेन डाल दी हैं ठीक है उन्होंने भी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जो है ना यारी भिजवाया पैगाम कि भाई प्लीज़ यार हमें माफ़ कर दें आप बस कर दें कितने फ़ाइन लगवाने है हमारे ऊपर हमारी कंप्लेन नहीं डालें लेकिन वो इंटीरियर होने को तैयार नहीं है आज ये मतलब ये आलम है कि टैक्स ले रहे हैं और टैक्स लेके ब्रांचेस खोल रहे हैं चोरी कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कंपनियाँ मताले आप हमारी और आज की डेट में भी इंटीग्रेट नहीं हो रहे तो ये हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इस सेक्टर का हाल है जिसको हम कह रहे हैं ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की बात है ये चंद बिलियन और टन की बात नहीं है ये सौ दो सौ तीन सौ चार सौ अरब रुपये की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे Yes, index, index में ला के जब इसे प्रॉपर काम शुरू होगा तब लोगों को इस नंबर का अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा सेक्टर था जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा था चलें जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आपने हमारे लिए वक्त निकाला इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह थैंक थैंक यू